तो कैसे हो मेरे दोस्तों। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। जिंदगी में जब कोई इंसान कुछ अचीव करना चाहता है तो उसको एक टारगेट बनाना पड़ता है, और वो टारगेट अगर ऐसा हो कि डेली उसको बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे सुबह, तो वो टारगेट उसके लिए सबसे ताकतवर टारगेट होगा। आप लोगों ने देखा होगा 99% लोग ऐसे होते हैं जो पहली बार अलार्म बजता है उस अलार्म को पोस्टपोन कर सो जाते हैं, यानी कि उस अलार्म के तुरंत बाद को ही। इतने बहुत कम ऐसे लोग हैं जो तुरंत उस अलार्म के बाद में उठ जाते हैं, और जो लोग उस अलार्म के तुरंत बाद उठ जाते हैं वो आज की डेट में कोई ना कोई आप लोगों को किसी न किसी अच्छी पोजीशन पर नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर इतना डेडिकेशन है कि उन्होंने एक बार डिसाइड कर लिया कि सुबह 4 बजे, 5 बजे या फिर 6 बजे, जो भी टाइम डिसाइड कर लिया वो आप लोग अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। पर लेकिन एक बार डिसाइड कर लिया तो फिर आप लोगों को उस टाइम पर उठना ही उठना चाहिए। इन क्यों बोल रहा हूं ऐसा? क्योंकि वो आप लोगों ने ही डिसाइड किया है। मैंने नहीं बोला आप लोगों को कि आप लोग ये टाइम डिसाइड कर लो, मैंने तो बोल दिया 4, 5, 6 या फिर बहुत सारे 3 बजे भी उठते हैं बच्चे, तो आप लोगों को जो भी कंफर्टेबल लगे। पर लेकिन उस टाइम के हिसाब से एक बार आप लोगों ने बोल दिया इस टाइम उठेंगे तो उस टाइम फिर उठना भी है। अगर ये इतना सा भी चेंज आप लोगों ने जिंदगी में एक बार को लेकर आ गए ना, तो अपने साथ जो कंपटीशन आप लोगों को आज के में देखने को मिल रहा है ना, उन लोगों से लगभग आप लोग बोल सकते हैं कि 90-95% लोगों से आप लोग ये काम करने से आगे निकल चुके हैं। ओनली ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। आप लोगों को क्या लग रहा है, आसान है? ये आसान होता था यार, दुनिया कर रही होती है, रोते क्यों है लोग सुबह को उठने में? आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली, तो इसलिए रोते हैं क्योंकि ये आसान नहीं है। अगर आसान होता तो हर एक इंसान काम कर रहा होता, और कोई भी इंसान वो चीज पसंद ही नहीं करता है जो आसान हो। क्या आप लोगों को पता है कि हर एक इंसान क्या चाहता है? कि अच्छी से अच्छी गाड़ी हो, पर लेकिन अचीव करने के लिए आप लोगों को हिम्मत लगानी पड़ेगी। आप लोगों की सैलरी बहुत शानदार हो, पर लेकिन अचीव करने के लिए आप लोगों को हिम्मत करनी पड़ेगी। अगर आसान होता तो एक रिक्शे वाला भी आप लोगों को जो है वो करोड़ों रुपए में खेलता हुआ नजर आता। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि आसान नहीं है, उसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को एफर्ट लगाना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। और जब आप लोग उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, आप लोगों के अंदर मोटिवेशन आने लगेगा, और जैसे ही मोटिवेशन आना स्टार्ट होगी आप लोगों के अंदर से, आप लोगों के लिए रेस्पेक्ट आनी स्टार्ट होगी, तो आप लोगों की जिंदगी जो है वो एक अच्छे पैटर्न में चलना स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर सारी चीजें आप लोगों की सुधर जाएगी। तो इसीलिए बोला गया कि ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें जिंदगी में जो आप लोगों को सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे। अगर आप लोगों का लक्ष्य इतना, आप लोगों का लक्ष्य इतना भी हिम्मत नहीं कर पा रहे कि आप लोग सुबह बिस्तर से भी अगर उठ पा रहे हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता यार वो लक्ष्य आप लोगों ने सही लक्ष्य चूज किया है, क्योंकि वो तो फिर आप लोग टाइम पास कर रहे हो। इतना सभी काम नहीं कर पा रहे अगर सुबह बिस्तर से उठने के लिए भी आप लोगों को मजबूर नहीं कर रहा है टाइम पर, जो आप लोगों ने खुद डिसाइड किया उस टाइम पर, तो फिर उसका कुछ मतलब नहीं रह जाता है। वो तो बस फ्री है कि जिंदगी बस चल रही है और चलने दे रहे हैं आप लोग। तो कोशिश करो कि जो एक बार डिसाइड कर लिया उसको करना है, वरना फिर डिसाइड मत करो, फिर पढ़ा रहे हैं तो चीजों को जैसी चल रही है टाइम के हिसाब से चलती रहेगी, फालतू में टेंशन ही क्यों लेनी है। फिर तो चलने दो, फिर जो मिलेगा उसको एंजॉय करते रहना, फिर उसके ऊपर रोना मत कि हाँ यार ये मिला वो हो गया, जितना किया उतना ही मिला है ना, फालतू कैसे मिल जाएगा है? किसी और की मेहनत आप लोगों को मिल जाएगी क्या? ऐसे थोड़ी ना होता है। एक्सरसाइज मैं करूं और बॉडी आप लोगों की बन जाए, अगर ऐसा होने लगे तो दुनिया बर्बाद हो जाएगी भाई, ठीक है? कोई मेहनत ही नहीं करेगा, दूसरों को मोटिवेट करते रहेंगे तू मेहनत करो मेरा फायदा हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए जो इंसान कर्म करता है उसी को फल मिलता है, और कर्म करने के लिए आप लोग को अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। कंफर्ट जोन का मतलब होता है कि जिस जिंदगी को आप लोग जी रहे हो उसी को जीते जा रहे हो, उसमें से बहार निकलने के लिए तैयार नहीं हो। एग्जाम पास में जाते हैं 2-3-4 महीने रह जाते हैं तब आंखें खुलती हैं कि यार कुछ कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना है यार। ऐसा करोगे तो बिल्कुल जिंदगी बर्बाद रहोगे। अगर लग रहा है कि जिंदगी बढ़िया चल रही है, आज जो है इस नए साल के 11 दिन आप लोगों की जिंदगी में से कट चुके हैं, क्या आप लोग चाहते हैं कि पूरा साल ऐसे ही चलता रहे जैसा चल रहा है? अगर आप लोग उससे सेटिस्फाई हो तो ऑल द बेस्ट, अगर सेटिस्फाई नहीं हो, एक और दिन आप लोगों के सामने आया एक नई अपॉर्चुनिटी लेके, तो बोलो उसको कि नहीं यार ये चीज मुझे चेंज करनी है, और उसको आज से ही चेंज करना स्टार्ट करो। आई होप कि आप लोगों की माइंड में मेरी बातें क्लियर आ रही होंगी कि मेरा कहने का मतलब क्या है। अगर ये चीज जिंदगी में आप लोगों ने एक बार डाल ली तो फिर कोई भी दिक्कत आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। तो इसको जितना जल्दी हो लाइफ का पार्ट बनाइए। शानदार डिस्कशन रहने वाला है, टकटकी लगाकर देखिएगा, अच्छे से बहुत कुछ डिस्कस करने वाला हूं, डिटेल में वीडियो रहने वाला है। आप लोगों को प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू या फिर आप लोग बात कर लें यूपीएससी के साथ में, स्टेट, पीसीएस, बैंकिंग या फिर जिस भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, अगर करंट अफेयर स्टडी पोर्शन के साथ में पूछा जाता है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन होने वाली है। और वीडियो को आखिरी तक सुनिएगा, सारे नोट्स प्रॉपर वे में आप लोगों को मिलेंगे जिनको आप लोग एंजॉय कर पाओगे। सारे नोट्स प्रोवाइड करा देता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आप लोग चीजों को अच्छे से एंजॉय कर सको, और हर एक इंसान को ये अवेलेबल रहते हैं टेलीग्राम के ऊपर। बताऊंगा कहां पर चीजें अवेलेबल है, पहले एक बार बात करते हैं आज के क्विज की। क्विज कहने के लिए क्विज है, एक तरीके से पूरा लेक्चर जो मैं डिस्कस करने वाला हूं उस लेक्चर का एक ओवरव्यू आप लोगों के सामने रहता है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में मैं आप लोगों से जो बात करूंगा नेशनल यूथ डे के बारे में। जवान हो यार आप लोग, अगर आप लोगों के अंदर का खून अगर इस जवानी में नहीं एक तरीके से गर्म हो पा रहा है सही कामों के लिए, तो फिर बुढ़ापे में क्या कर पाओगे? तो जिसने जवानी बर्बाद कर दी बुढ़ापे में क्या कर लेगा वो इंसान? तो अब कम से कम जवानी में आप लोग काम कर सकते हैं बहुत अच्छे। तो 12 जनवरी को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। थीम क्या है? थीम क्या होता है? एक साल में पूरा फोकस किस एरिया में रहने वाला है उसको हम लोग थीम बोलते हैं। तो थीम आप लोगों को बतानी है।
बात करता हूं यहां पर IHS मार्केट रिपोर्ट के बारे में। तो ये जो रिपोर्ट है इसके द्वारा ये बताया गया कि हमारी कंट्री जो है वो यहां पर ओवरटेक करने वाली है जापान को और एशिया में सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाली है। तो ये हमारी कंट्री जो है सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाली है, तो कब तक बनने वाली है ये आप लोगों को बताना है। अगर आज की डेट में आप लोगों से बात करूं, इंडिया के अंदर 54 यूनिकॉर्न है, 54 यानी कि 54 यूनिकॉर्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है, एक ऐसी कंपनी जो कि $1 बिलियन कमा चुकी है। समझ में आया नहीं आया कोई बात नहीं, ऐसी कंपनी जो लगभग 7,000 करोड़ रुपए अपने बेसिकली खाते में डाल चुकी है, यानी कि 7,000 करोड़ टर्न ओवर है, उस कंपनी को यूनिकॉर्न बोलते हैं। और ऐसे 54 यूनिकॉर्न हमारे देश में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है ये आप लोगों को बताना है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। करेंटली अगर हमारी जो इकोनॉमी है वो छठे नंबर पर है, जल्दी बोला जा रहा है कि हम लोग जल्दी ही निकलकर यहां पर दूसरे नंबर तीसरे नंबर पर पहुंचने वाले हैं, तो इसके बारे में भी बात की जा रही है। तीसरे मतलब स्टार्टअप के बारे में बात करूं और बाकी इकोनॉमी के बारे में हम जापान के आगे पहुंचने वाले हैं, तो पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा, आप लोग समझ पाएंगे। 1 बिलियन इंडियन, एक तरीके से 1.1 बिलियन इंडियन जो है वो आगे आने वाले टाइम में इंटरनेट यूज करेंगे। आज की डेट में लगभग 500 से 600 मिलियन लोग जो है वो इंटरनेट यूज करते हैं, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। इससे आप लोग आंकड़ा लगा लीजिए कितने यहां पर मैं बातें कर रहा हूं, ठीक है। तो इसमें जब भी आप लोगों को लगे मिलियन बोल रहा हूं तो उसमें 10 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो यहां पर 500 बिलियन की बात करें तो इसका मतलब हो गया 5,000 लाख, ठीक है। 5,000 लाख आप लोगों को देखने को मिलेंगे, इस तरीके से आप लोग इसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सारी बातें आप लोगों के माइंड में क्लियर होनी चाहिए। इंडियन कंपेयर में भी इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट होगा यहां पर, किस कंट्री के बाद में, जो कि यहां पर जिसके अंदर यूनिकॉर्न आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। कौन सा आर्टिकल है, अनुच्छेद हमारे संविधान में, जो कि यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करते हैं, ये आप लोगों को बताना है। और इतना बता देता हूं डीपीएसपी का पार्ट है। अब आप लोग ये बताइए डीपीएसपी जो है वो संविधान में कौन से पार्ट में आता है, ये आप लोगों को बताना है। डीपीएसपी जो है वो नॉन जुडिसेबल है, यानी कि आप लोग कोर्ट में नहीं जा सकते अगर डीपीएसपी में कोई गड़बड़ देखने को मिल रही है, जैसे कि फंडामेंटल राइट में अगर गड़बड़ होती है तो आप लोग कोर्ट में जा सकते हैं। तो डीपीएसपी के बारे में आप लोगों को ये बताना है कौन से आर्टिकल के अंदर आप लोगों को ये चीजें देखने को मिलती है कि नॉन जुडिसेबल है नेचर के। दोनों आर्टिकल बहुत बेहतरीन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे गए। फिर बोलते हो सर क्वेश्चन कहां से आ गए, अरे क्वेश्चन तो यार यहीं से आएंगे सारे, कोई भी बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग अगर ढंग से पढ़ते रहोगे तो कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। तो पॉलिटी मेरा यार है और करंट अफेयर मेरा प्यार है, दो चीजें तो ऐसी करा दूंगा कि टेंशन नहीं देखने को मिलेगी, इनके लिए तो आप बोल सकते हैं कि मैं हूं ना, ठीक है। ऐसा कर दूंगा चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो चाहे इंटरव्यू हो, अगर रेगुलर आप लोग सुन सुनकर चलोगे तो स्टैटिक और करंट के साथ में सारी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने लेकर आता हूं। यूनियन जो कैबिनेट है उसके द्वारा यहां पर अभी क्लियर किया गया एक प्लान, जिसमें एक नए ब्रिज को बनाने की बात की जा रही है नेपाल और इंडिया के बीच में। ये जो ब्रिज है उत्तराखंड से लेकर नेपाल में पहुंचेगा और नाम दोनों का एक ही है, धारचूला धारचूला, यानी कि कुछ धारचूला है किसके अंदर, उत्तराखंड के अंदर, कुछ धारचूला है यहां पर नेपाल के अंदर। तो ये धारचूले के ऊपर, चूल्हे के ऊपर रोटी बनाएंगे बढ़िया से बैठकर और फिर खाएंगे जमाकर, तो इसके बारे में भी जानेंगे। बुद्धिस्ट जो बात करें आप लोगों को पता है नेपाल में काफी सारी चीजें लोकेशन आप लोगों को बुद्धिज्म की देखने को मिलती है। तो अगर बुद्धा जी के बारे में बात करें तो नेपाल में उनका जन्म हुआ था, एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए कम से कम इसके बारे में, तो बताइए कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, ये आप लोगों को इसका आइडिया होना चाहिए। आगे बात करते हैं, यहां पर बात की जा रही है इंडिया नेपाल ट्रीटी, इंडिया नेपाल पीस ट्रीटी के बारे में, ये कब साइन की गई थी, इसको फ्रेंडशिप ट्रीटी भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है, पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी। तो ये किस ईयर में साइन की गई थी ये भी आप लोगों को बताना है। तो काफी शानदार डिस्कशन रहेगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा टकटकी लगाकर, मजा आ जाएगा, एक तरीके से बहुत कुछ आप लोगों को जानने को मिलने वाला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सैल्यूट करते हैं स्वामी विवेकानंद जी को, नेशनल यूथ डे हमारे देश में सेलिब्रेट कहते हैं, जिसको आप लोग युवा दिवस भी बोलते हैं। स्वामी विवेकानंद के द्वारा ही बोला गया था कि आज की डेट में अगर आप लोग ढंग से चीजों को लेकर नहीं चलोगे तो सारी चीजें आप लोग खराब होती नजर आएंगी, यानी कि उठो अपने लिए संघर्ष करो और आगे बढ़ते रहो। बहुत सारी मोटिवेशनल कोटेशन आप लोगों ने स्वामी विवेकानंद जी की सुनी होंगी। तो इनके द्वारा जो जिंदगी जी गई है उसको कहते हैं शानदार तरीके से जिंदगी जीना। तो अभी 12 जनवरी को ये इनका जो बर्थडे है वो सेलिब्रेट किया जाता है एज ए नेशनल यूथ डे के रूप में। क्यों? क्योंकि इनका ये मानना था कि अगर यूथ अगर आगे निकल कर आ गया तो भाई साहब उस देश को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, वो देश जो है गोली की स्पीड से बाहर जाएगा निकलकर। तो ये काम कौन कर सकता है, ये यूथ एक कंट्री का कर सकता है ये काम। तो इसलिए इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है हम लोग नेशनल यूथ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और ये हमेशा बात करते थे एक तरीके से कि एक तरीके से जो इंपोर्टेंस है यूथ की, यानी कि यूथ की इंपोर्टेंस क्या है, यंग जनरेशन की इंपोर्टेंस क्या है, यानी कि क्या महत्वपूर्ण रखता है हमारी कंट्री का यूथ। तो इसलिए यहां पर जो अब की बार की थीम रखी गई ना, ये 2022 है, ठीक है। बात की जा रही है इट ऑल इन द माइंड, ठीक है। तो यहां पर ये बात की जा रही है इट्स ऑल इन द माइंड। तो यहां पर मुझे लगा सर लास्ट ईयर की भी यही थी क्या थीम, मतलब मैं कंफर्म नहीं हूं, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो 1984 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डिक्लेयर किया गया था डे एज ए नेशनल यूथ डे के रूप में।
तो यहाँ पर बेसिकली तब से हम लोगों ने 1995 से इसको सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया। यानी कि जैसे आज की डेट में आप लोग डिसाइड कर लो कि हम लोग को आगे चलकर अपना कोई एक टारगेट रखना है और फिर उसके लिए काम करना स्टार्ट कर दो, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। तो 1984 में बोला गया हाँ ऐसा कुछ करेंगे, और पहली बार 1985 यानी कि 1985 में नेशनल यूथ डे जो है वो हमारे देश में डिक्लेयर करना स्टार्ट हो गया। अभी अगर बात करें यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जी की जो मन की बात है उस पर भी यहाँ पर अपडेट किया गया इसके बारे में, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। और अभी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा भी यहाँ पर बताया गया है कि नेशनल जो यूथ डे है उसकी थीम क्या है, इट्स ऑल इन द माइंड, ठीक है। तो ये थीम है यहाँ पर कब की, 2022 की आप लोगों को थीम देखने को मिलेगी, तो इसके बारे में बात की जा रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है वो यहाँ पर इसको लेकर चल रही है सेलिब्रेशन को, तो इसके चलते इनके द्वारा ये चीजें अपडेट की गई है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग माइंड में क्लियर रखेगा, कोई भी डाउट आप लोगों को इसके बारे में नहीं होना चाहिए। अब आगे चलते हैं। अच्छा एक छोटी सी बात आप लोगों को बतानी है, फिर आप लोग बार बार बोलते रहते हो कि सर कहां पर क्या क्या चीजें हैं, तो इसको देखेंगे यहां पर। ये पूरी दिसंबर की कंप्लीट पीडीएफ जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड करा दी, जो पूरी रिविजन की वीडियो आई थी ना दिसंबर वाली, तो कंप्लीट पीडीएफ टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दी है और लिखा भी है इसके नीचे कंप्लीट #December current affair 2021, तो जाकर इसको डाउनलोड कर लेना। और इसी के साथ में और भी यहां पर जो इंपॉर्टेंट डे की है और थीम की है वो भी पीडीएफ मैंने प्रोवाइड करा दी है, इसी के साथ में जो रेगुलर पीडीएफ है वो आप लोगों को मिल ही गई है, ठीक है। तो ये आप लोग जाकर देखेगा। इसी के साथ में यहाँ पर एक कई सारे बच्चों के द्वारा बोला गया सर सुबह जो है वो नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया। यार देखो मैंने आप लोगों को बताया था चैनल के साथ में दिक्कतें चल रही है, आप लोगों को सारी चीजें बता भी चुका हूं बार बार, पर पता नहीं आप लोगों को चीजें समझ में क्यों नहीं आती है। यहां पर देखिए हिंदू जो है वो प्रोसेसिंग में चलता रहा सुबह लगभग 45 मिनट तक, वीडियो जो थी वो अपलोड कर दी थी टाइम पर, लेकिन 45 मिनट तक यहां पर ये प्रोसेसिंग दिखाता रहा। यानी कि वीडियो जो पब्लिश की थी मुझे 6:20 के करीब आप लोगों की अपलोड हो गई थी, पर लेकिन वो पब्लिक हुई जाकर 7:05 पर, ठीक है। तो ये प्रोसेसिंग चलती रही। फिर इसके बाद में क्या किया, ये वीडियो के साथ मैंने एक और वीडियो अपलोड कर दी दूसरी हिंदू की, तो ये दूसरी वीडियो अपलोड होने लगी तो पहले वाली प्रोसेसिंग में चलती रही और यहां पर दूसरे वाली अपलोड करी और दूसरे वाली अपलोड होकर पब्लिक भी हो गई, पर लेकिन ये प्रोसेसिंग में चलती रही। फिर मैंने इसको डिलीट कर दिया पहले वाली को, तो दूसरे वाली फिर आप लोगों के पास में पहुंची। जैसे ही दूसरे वाली पब्लिक हुई यहां पर तुरंत ही पब्लिक होते यहां पर इसको रिस्ट्रिक्शन में डाल दिया, आप लोग देखते हैं यहां पर मोनेटाइजेशन भी लिमिटेड कर दिया और रिस्ट्रिक्शन कर दी एड सुटेबिलिटी, तो यहां पर यूट्यूब के द्वारा तुरंत इसको रिस्ट्रिक्शन में डाल दिया। अब मुझे नहीं पता ये क्या चक्कर चलता रहता है, आप लोगों को अगर मैं नॉर्मल तरीके से दिखाऊं ना आप लोगों को हर दूसरी वीडियो जो है वो यहां पर रिस्ट्रिक्शन में मिल जाएगी। यहां पर आज एक अल्टरनेटिव डेज पर आप लोग रिस्ट्रिक्शन में डाली जाती है मेरी वीडियो, खासकर अगर बात करें हिंदू की वीडियो। जैसे अगर आप लोग देखना चाहे लाइव देख सकते हैं यहाँ पर, ये है द हिंदू की वीडियो रिस्ट्रिक्शन में पड़ी हुई है। और ये तो छोड़िए यहाँ पर अभी जो थी ये जो थी इससे पहले जो ये पैन कार्ड वाली वीडियो थी ये रिस्ट्रिक्शन में डाली गई थी, ये इन्होंने रिस्ट्रिक्शन में से हटा दी कल, पर लेकिन अब तक भी रिस्ट्रिक्शन में पड़ी हुई यहाँ पर जो यहाँ पर थी जो आप लोग से BMW था इसका थंबनेल वो डिस्कस की थी वो अब तक भी रिस्ट्रिक्शन में पड़ी हुई है। तो सारी वीडियो यार इस तरीके से मुझे नहीं पता है क्या चलता रहता है, पर जो भी है आप लोगों के सामने है, ऐसा कुछ नहीं मैं आप लोगों से कुछ छिपा रहा हूँ, यहाँ पर सारी चीजें आप लोगों के सामने ये हटाते रहते हैं डालते रहते हैं। अब जो भी है यार इसका एक ही तरीका है जो मैंने आप लोगों को बार बार बताया, और वो है तीन चीजें, एक तो लाइक, दूसरा कमेंट और तीसरा शेयर। अगर ये तीन ही चीजें आप लोग करते रहते हैं तो फिर YouTube को फीडबैक मिलता है, और YouTube ना देखो यार एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, यहाँ पर ना लोग एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ से आते थे, पर लेकिन मेरे जैसे कुछ सरफिरे आकर बैठ के YouTube के ऊपर चले यार इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को एजुकेशन में बदलते हैं, तो उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, पर लेकिन है तो प्लेटफॉर्म वही ना जो कि एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ से है, तो उसको कैसे पता चलेगा ये चीजें सही हैं फिर ये चीजें गलत हैं। तो आप लोगों का फीडबैक रहता है यहाँ पर, आप लोग लाइक शेयर और कमेंट जब करते हो तो इससे पता चलता है कि ये वीडियो जो है वो सही है, और फिर उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं, वरना रिव्यू में डाल देता है एक हफ्ते तक उसको रिव्यू में रखता है, उसके बाद में मन करता है उसको हटा देता है और फिर वो वीडियो जो है वो वहीं दम तोड़ देती है, वो आगे बढ़ती नहीं है। तो आप लोग खुद सोचिए यार ये तीन काम कम से कम आप लोग कर सकते हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं चैनल को ग्रो करने में भी और वीडियो को सही डायरेक्शन देने में भी। तो ये आप लोग फीस के तरीके से बोल सकते हैं कि आप लोग की फीस है, अगर आप लोगों को लगता है कि ये फीस है तो इसको फीस मान लीजिए आप लोग, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये एजुकेशन में प्रोवाइड करा सकूं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक चीजें पहुंच सके, ठीक है। और यही रीजन है, अभी कई सारे बच्चे बोले थे कि सर बुक्स जो है अभी थोड़ा सा कम प्रोवाइड करानी स्टार्ट कर दिए, पिछले एक महीने में जितनी रिवेन्यू आता था उसका लगभग 30-40% रिवेन्यू जो है वो कम हो गया, ठीक है। 30% लगभग जो पैसे आ रहे थे, मान लीजिए 10,000 रुपए अगर आ रहे हैं तो 10,000 में से समझिए मुझे जो है वो लगभग 7,000 या फिर 6,500 रुपए मिले, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये होगा जब मेरे पास खुद का ही खर्चा निकालने के लिए बैलेंस नहीं आएगा तो फिर मैं आप लोग कहां से प्रोवाइड कराऊंगा। तो इसलिए मैंने हालांकि बिल्कुल बंद नहीं किया, जिसकी बहुत नीडी है उसको अभी भी मैं प्रोवाइड करा रहा हूं। तो यार ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो मतलब कई बार मन तो करता है ना शेयर करूं, पर लेकिन जब चीजें ज्यादा होने लगती है ना तो फिर कोई सॉल्यूशन भी नहीं है ना मेरे हाथ में। तो आप लोग देखिए अब किस तरीके चीजें करनी है, मेरा काम है पढ़ाना, आगे बढ़ता हूं। काफी शानदार काफी प्यारा ये आर्टिकल रहने वाला है, बात करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में।
यार कई बार ना ऐसा लगता है फ्रस्ट्रेट हो गया उन चीजों से आगे, ठीक है, ये डेली का ये हरकतें हो जाना, ठीक है, इससे अच्छा तो कहीं जाकर ऑफलाइन पढ़ाने लग जाओ ना, मतलब दुनिया भर के पैसे कमाओ और अशांति में जिंदगी जियो, ना कोई चीजें मैनेज करनी है, सामने वाला लेक्चर रिकॉर्ड करने के पैसे देगा, आकर अपने घर लेट जाओ, ऑफलाइन पढ़ो जाकर, दुनिया भर के पैसे कमाते हैं लोग, ठीक है। लेकिन वही है, चुल रहती है ना इंसान को, मेरी चुल है कि हाँ चलो लोगों को कुछ अच्छा प्रोवाइड कराते हैं, पर वो चुल में फिर इस तरीके की हरकतें भी बीच में आती है निकल के। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं यहाँ पर बात करते हैं इन्फॉर्मेशन, बात की जा रही है यहाँ पर इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग सर्विस के बारे में, IHS मार्केट आप लोग रिपोर्ट इसको बोल सकते हैं। ये IHS मार्केट जो रिपोर्ट है यहाँ पर, ये अभी रिसेंटली पब्लिश की गई और इसमें बोला गया कि जापान को पीछे छोड़कर एशिया में हमारी कंट्री जो है वो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाली है 2030 तक। तो आप लोग के माइंड में सबसे पहले आना चाहिए कि भाई साहब जब यहाँ पर सेकंड लार्जेस्ट बनने वाली है तो बाकी और कौन सी कंट्री है यहाँ पर जो कि हमसे आगे आज के में घूम रही है, तो ये आप लोगों को बताना चाहिए। तो ये मैं बात कर रहा हूँ एशिया की, ठीक है। वैसे अगर करंट अगर इंडिया की पोजीशन आप लोग देखोगे, सबसे टॉप पर है यूएसए, दूसरे नंबर पर है चाइना, तीसरे नंबर पर है जापान, चौथे नंबर पर है यहाँ पर जर्मनी और पांचवें नंबर पर है यूके। तो अगर हम लोग जापान से आगे निकल जाते हैं तो इसका मतलब कहां पर आकर बैठ गए, हम लोग यहां पर आकर बैठ गए, यानी कि दुनिया में भी हम लोग तीसरे नंबर पर आकर बैठ गए जर्मनी और यूके को भी पीछे छोड़कर। तो ये आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी कंट्री जो है वो बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ने वाली है। तो आने वाले टाइम में इंप्लॉयमेंट और ज्यादा देखने को मिलेगा आप लोगों को, इसी के साथ में लोग जो है और ज्यादा प्रोस्पेरस होते हुए नजर आएंगे, तो वो सारी चीजें अच्छी होती हुई आप लोगों को नजर आएंगी, यानी कि अच्छे दिन आने वाले हैं अगर इसी तरीके से चीजें जो है वो आगे बढ़ती रही और सही तरीके से चीजों का ढंग से यूटिलाइजेशन किया गया। तो इंफॉर्मेशन एनालिटिक्स और सॉल्यूशन के बारे में बात की जाती है IHS मार्केट के द्वारा, और इसके द्वारा यहां पर यह डेटा प्रोवाइड कराया जाता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में इकोनॉमी कैसी चल रही है, अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है। आप लोग बोलोगे ये कैसे काउंट करते हैं, तो उसका सीधा सा तरीका होता है यार जीडीपी, यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी क्या होती है, अगर आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा तो एक लाजमी क्वेश्चन आना भी चाहिए अगर आप लोग एक जुझारू अगर विद्यार्थी हैं, तो जीडीपी होती है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि घरल सकेलू जो उत्पाद होता है एक कंट्री की, जो फिजिकल बाउंड्री है उसके अंदर एक साल में जितने भी गुड्स और सर्विस हम लोग प्रोड्यूस करते हैं वो सारे गुड्स और सर्विस जो है जब उनको हम लोग अकाउंट में इकट्ठा करते हैं तो उसको हम लोग एक कंट्री की जीडीपी बोल देते हैं। तो हमारी कंट्री की जो जीडीपी है एक साल में जो भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो इसके अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विस हम लोग प्रोड्यूस करेंगे वो हमारे देश की जीडीपी हो जाएगी। तो ये है आप लोगों के सामने जीडीपी, तो बोला भी गया है यहाँ पर, लिखी भी हुई है पूरी डेफिनेशन, गिवन ईयर यानी कि एक साल के अंदर इसको काउंट किया जाता है। बहुत शानदार तरीके से इंडियन एक्सप्रेस के अंदर ये आर्टिकल जो है ये कवर किया गया जो कि आप लोगों के सामने, तो इसी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, कई सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी, ठीक है। अभी यहां पर अगर बात करें जो जीडीपी प्रोजेक्शन है, तो इकोनॉमी का जो साइज अगर पूछ ले आप लोगों से कि हमारे देश की प्रेजेंट टाइम पर इकोनॉमी कितनी है, तो याद रखना एप्पल जो कंपनी है ना, एप्पल कंपनी की जो अगर बात करें उसका साइज जो है वो 3 trillion साइज है आज के टाइम में एप्पल कंपनी का, और हमारी कंट्री की जीडीपी कितनी है वो है 2.7 trillion, यानी कि एप्पल अकेली कंपनी जो है वो हमारी कंट्री की जीडीपी से ज्यादा बड़ी है, इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं। इसी को बोला गया कि 2030 तक बढ़कर ये जो है 8.4 ट्रिलियन हो जाएगी। अब एप्पल कितनी बढ़ेगी तो बाद में पता चलेगा, फिलहाल अभी हमारी कंट्री जो है वो 8.4 ट्रिलियन, यानी कि मोटे मोटे तौर पर बोलूं तो आज जितनी हमारी अर्थव्यवस्था है 2.7, उसमें अगर 3 से लगभग आप लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो अप्रोक्सीमेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर, ठीक है। तो यानी कि इतने हम लोग यहां पर बढ़ने वाले हैं आने वाले टाइम में, तो ये काफी अच्छा देखने को मिलेगा अगर बोला जाए 2030 तक का। जब ये चीजें बढ़ेंगी तो हम लोग जापान को ओवरटेक कर देंगे, तो हम लोग यहां पर जापान से आगे निकलकर सेकंड नंबर पर आ जाएंगे, यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड में पहले नंबर पर कौन है यूएसए, दूसरे नंबर पर है कौन चाइना, तीसरे नंबर पर कौन है जापान। तो जब हम लोग जापान से आगे छलांग मारकर लंबी कूद मारेंगे तो यहां पर आ जाएंगे, और जैसे हमारी लंबी कूद यहां पर आकर रुकेगी तो कहने का मतलब क्या है कि अगर दुनिया में देखेंगे तो हम लोग तीसरे नंबर पर आ जाएंगे, पर लेकिन एशिया में अगर बात करेंगे तो हम लोग दूसरे नंबर पर आ जाएंगे। तो दोनों टर्म में कंफ्यूज मत होना, दुनिया और एशिया में दोनों को आप लोगों को याद रखना है। इंडिया का जो ग्रोथ रेट है 2021-22 के लिए बोला गया 8.2 यहां पर रहने वाला है, तो इसके चलते आने वाले टाइम में फाइनेंशियल ईयर जो है वो 2022-23 का फिर यहां पर 6.7 ग्रोथ रहने वाला है। तो इस तरीके से चीजें यहां पर बढ़ने वाली है, तो काफी शानदार तरीके से यहां पर चीजें बढ़ती हुई आप लोगों को नजर आएंगी। अब कुछ बातें जानते हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, आंसर राइटिंग के लिए भी, एसे राइटिंग के लिए भी, और कोई इंटरव्यू भी आप लोगों से पूछ बैठे तो कम से कम उसका भी आप लोग मुंह तोड़ जवाब दे सको। तो यार रोल ऑफ द डिफरेंट सेक्टर, यानी कौन कौन सा ऐसा एरिया है, मैंने बोल तो दिया यार 2.7% से हम लोग 8.5 पर पहुंचेंगे, पर लेकिन ये निकल के कहां से आएगा ये भी तो बताओ सर एक बार। तो यार ये जो निकल के आएगा, ये निकल के आएगा मैन्युफैक्चरिंग,
यानी कि जो भी यहाँ पर हम लोग सामान बनाते हैं, जो भी हम लोग ढांचागत विकास करते हैं और जो भी सर्विस सेक्टर हम लोग देते हैं। सर्विस सेक्टर मतलब क्या हो गया, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, एक टीचर, एज ए डॉक्टर, एज ए लॉयर, या फिर कोई भी ऐसा इंसान जो कि यहाँ पर जुडिशरी भी एक तरीके की सर्विस है आप लोगों के लिए, तो ये सारी सर्विसेज होती है। तो इसमें काफी सारा यहाँ पर इंप्रूवमेंट होने वाला है आने वाले टाइम में और लोगों तक चीजें पहुंचने वाली है अच्छे लेवल पर। ई कॉमर्स सेक्टर काफी ज्यादा बढ़ने वाला है ऑनलाइन आज के डेट में, आप लोग अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये सारी जो चीजें आप लोग खरीदते हैं, तो ये इंडस्ट्री इतनी बढ़ गई है। इवन खाना जो है दुनिया भर के लोग जो है ऑनलाइन आज के डेट में ऑर्डर कर रहे हैं। इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि किस डायरेक्शन में चीजें चल रही है। तो डिजिटलाइजेशन के बारे में बात की जा रही है, ई कॉमर्स जो मार्केट है वो आज की डेट में बहुत बड़ी होती जा रही है। और इवन जो इंसान पहले नॉर्मल फोन यूज किया करता था खटके वाला, अब उस इंसान के पास में भी एक टच स्क्रीन फोन आप लोगों को नजर आता है, चाहे वो उसमें कुछ भी क्यों ना करता रहे, पर लेकिन एक टच स्क्रीन फोन हर एक इंसान के पास में आप लोगों को देखने को मिलेगा। इवन व्हाट्सएप कॉल करने के लिए ही यहां पर यूज कर लेते हैं और कुछ नहीं, तो आधी दुनिया तो व्हाट्सएप ने बर्बाद कर रखी है। एक बच्चे के द्वारा फोन आया, मतलब फोन नहीं, मतलब मेल आया, सॉरी, एक बच्चे के द्वारा मेल आया, तो मेल पे बोल रहा है कि सर मेरी जिंदगी जो है व्हाट्सएप ने बर्बाद कर दी। आज की डेट में किसी का बर्थडे होता है रिश्तेदारी में, रिश्तेदार का बोलता है कि मेरा स्टेटस क्यों नहीं लगाया, लगाता नहीं हो तो गुस्सा मान जाता है, ऐसा लग रहा है दूसरों को सेटिस्फाई करने के लिए बैठा हूं यहां पर। सर जब उसको डिलीट कर देता हूं तो ये कहते हैं कि व्हाट्सएप को छोड़ के चला गया, फिर मतलब इरिटेट करने लगते हैं, फोन करने लगते हैं, तो क्या करूं मैं इसका। तो यार देखिए ये सारी कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जिनको आप लोग प्रॉब्लम बना के बैठे हो। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे मैक्सिमम लोग जो हैं या तो वो हैं जो कि ज्यादा बिजी नहीं है जिंदगी में, एक प्रॉपर नॉर्मल लाइफ लेकर चल रहे हैं, या फिर वो हैं आप लोगों को देखने को मिलेगा जिनके पास में और कोई अच्छा काम नहीं करने के लिए, सुबह उठते ही पर अपना स्टेटस लगा दिया, उसके बाद में अपनी दो चार बार प्रोफाइल चेंज कर दी, दो चार जो है फोटो अपडेट कर दी अपने स्टेटस में। कसम से बताऊं ये मुझे इतना, मतलब हो सकता है आप लोग ये सारे काम करते हो, आप लोग थोड़ा बुरा लगे सुनने में, पर लेकिन एक सजेशन रहेगा यार, बीइंग ए स्टूडेंट कम से कम इस चीज से आप लोग थोड़ा सा दूर रहिए। जब आप लोग सेटल हो जाओ ना डेली अपनी कुर्सी की, चेयर की, टेबल की, अपनी जहां कहीं घूमने जा रहे हैं अपनी सैलरी की, अपने जो भी चीजें लगे उसकी फोटो डालो, डेली स्टेटस पे डालो, ठीक है, जो भी आप लोग सुटेबल लगता है वो करो, पर बस एक बार जॉब ले लो, ठीक है, उसके बाद में आप लोग कर लेना। तो ये सारे काम किए जा सकते हैं और अच्छा भी है, इंसान को बिजी रखने में, एंटरटेन करने में हेल्प करते हैं, पर लेकिन रियलिटी में क्या उससे ज्यादा प्रोडक्टिव काम आप लोगों के पास में नहीं है, खासकर बीइंग ए स्टूडेंट अगर मैं आप लोगों से बात करूं। अगर नहीं है तो लगे रहो ना भाई, अगर है तो थोड़ा सोचो उसके बारे में, ठीक है। ई कॉमर्स सेक्टर के बारे में बात करी तो आने वाले टाइम में और ज्यादा लोग जो है इंटरनेट पर आने वाले हैं, 500 मिलियन लोग हैं आज के डेट में, 1 बिलियन लोग आने वाले हैं 2030 तक का, तो यानी कि और ज्यादा लोग जो है व्हाट्सएप चलाते हुए नजर आएंगे, और ज्यादा लोग जो है इंटरनेट पे आप लोगों को मजे लेते हुए नजर आएंगे, और ज्यादा लोगों के मीम्स बनते हुए नजर आएंगे, तो बहुत कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें आप लोगों के सामने आने वाली है। ग्रोथ जो है यहाँ पर ये क्यों आ रही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से आ रही है। हमारी कंट्री में अभी आप लोगों को पता है दिसंबर के महीने में 5G का उद्घाटन हम लोगों ने कर दिया, तो 5G आगे आने वाला है, तो आप लोगों के पास में और अपॉर्चुनिटी रहेगी, कोई भी वीडियो जो है वो आप लोग सेकंडों में चलेगी, कहीं पर भी रहोगे आप लोग आसानी से चीजें डाउनलोड होगी, फास्ट इंटरनेट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो गांव-गांव में भी अगर यहां पर शहर में 5G आ गया तो कम से सारे गांव में हर एक लेवल पर 4G तो पहुंच जाएगा आराम से, कम से कम, और 5G इतनी जल्दी पहुंचे उतना ज्यादा बेटर रहेगा। तो इसके चलते एक ढांचागत विकास करना पड़ेगा भाई साहब, बड़े बड़े टावर खंभे लगाने पड़ेंगे, उसी के हिसाब से सारा जो ढांचागत विकास करेंगे तो पैसा भी लगेगा। तो यहाँ पर बड़े बड़े स्टार्टअप आ रहे हैं इस फील्ड में भी काम करने के लिए, टेक्नोलॉजी का यूज करके अच्छे अच्छे यहाँ पर आज के में सस्टेन करने वाले भी स्टार्टअप हमारे देश में आ गए, यानी कि लोग जो है वो जॉब सीकर, यानी कि जॉब लेने वाले नहीं जॉब देने वाले बन रहे हैं आज के डेट में, ये मान लो आप लोग को देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म अगर मार्केट के बारे में आप लोग बात करें तो ये काफी एक मल्टीनेशनल होती जा रही है, जो एप्पल हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, ये व्हाट्सएप हो गया, ये दूसरे देश की कंपनी है और हम लोग इनको मजे में यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये मल्टीनेशनल कंपनी हो गई, यानी कि अलग अलग नेशन, अलग अलग देश में ये कंपनी काम कर रही है, तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है वो भी काफी ज्यादा बढ़ने वाली आने वाले टाइम में, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स दुनिया भर के देखने को मिलेंगे। देखिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जितने बढ़ेंगे, लोगों के हाथ में फोन आएगा, लोगों के हाथ में बाइक आएगी, लोगों के हाथ में गाड़ी आएगी, लोगों के हाथ में लिफ्ट में बैठकर काम करेंगे, तो जितने इलेक्ट्रॉनिक केमिकल बढ़ेंगे आप, उतनी ही ज्यादा हेल्थ की सर्विस की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, यानी कि लोग उतने ही एक तरीके से सुस्त होते नजर आएंगे, तो मोटापा ये इसी के तरीके थायराइड या ब्लड प्रेशर ये दिक्कत बढ़ती है आप लोगों की नजर आएगी जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक जो प्रोडक्ट हमारी जिंदगी में आएंगे, क्योंकि लोग जो है उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। केमिकल्स जो है उसके ऊपर बात करेंगे तो ऑटोज हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, केमिकल्स हो गए, तो इनकी दवाइयां भी बनाई जाती है, बहुत सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के बारे में सुना है ना, जिनको APIs बोलते हैं, APIs मतलब इनका यूज करके दवाइयां बनाई जाती हैं, तो ये भी एक तरीके केमिकल्स होते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग में ये तीन एरिया काफी ज्यादा बढ़ने वाले हैं। सर्विस सेक्टर में बात करूं तो बैंकिंग बढ़ेगा काफी लार्ज स्केल पर, इंश्योरेंस वाला सेक्टर बढ़ेगा, एसेट्स जो मैनेजमेंट वाला बढ़ेगा क्योंकि लोगों के पास से पैसा आएगा, हेल्थ केयर बढ़ेगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला सेक्टर बढ़ेगा, तो इससे चीजें आप लोगों के सामने और अच्छे लेवल पर निकलती हुई नजर आएंगी। यानी कि ये वो एरिया है जिनमें आगे चलकर आप लोग अपनी जॉब के बारे में सोच सकते हैं कि हाँ यार इससे काफी अच्छी जॉब मिल सकती है, खासकर अगर आप लोग बात करें तो। इसी के साथ में इंपोर्टेंट मुद्दा के यहाँ पर मिडिल क्लास का सपोर्ट काफी ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्यों,
क्योंकि जब मिडिल क्लास का पर्सन जो है वो बाहर निकल कर आते हैं, मतलब आज की डेट में एक ऐसा इंसान है जिसके घर में छत का पंखा है बस नॉर्मल, या फिर अपना जो हाथ जो लकड़ी का बना हुआ जो एक तरीके से ऐसा जो पंखा आता है जिससे हाथ से घुमा घुमा कर उससे आप लोग हवा करते हैं वो वाला देखने को मिलता है, उसको अगर किसी के घर में वो है उसके पास में अगर जिस दिन पैसा आ जाएगा ये इंसान सबसे पहले क्या करेगा, और कुछ नहीं तो कम से कम छत का पंखा लगाएगा, थोड़ी सी और ठीक ठाक पैसा आ जाएगा तो एक कूलर लेगा, थोड़ा सा और ज्यादा अच्छा हो जाएगा तो एक एसी लेगा। तो बहुत लार्ज स्केल पर जो मिडिल क्लास फैमिली है वो जब इस मुद्दे से निकलकर बाहर आएगी तो ये सारी चीजें वो खरीदेगी, और मार्केट कैसे बढ़ती है वो डिमांड और सप्लाई के ऊपर बढ़ती है। जब मार्केट में इन सब चीजों की डिमांड होगी और सप्लाई करने वाले यहां पर ऑलरेडी कंपनी वाले बैठे होंगे तो मार्केट जो है वो धड़ल्ले से आगे निकलेगी। यहां पर इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इंडियन कंज्यूमर जो है वो स्पेंड करेंगे यहां पर डबल इन द नेक्स्ट डिकेड, यानी कि जो भी आज के में आप लोग खर्च कर रहे हैं आने वाले टाइम में उसका डबल आप लोग खर्च करते हुए नजर आएंगे, और वो कब करेंगे जब आप लोग के हाथ में पैसा होगा। तो इसलिए यहाँ पर जो लोग आज में लगे हुए हैं वो अच्छे से लगे रहिए, आगे आने वाले टाइम में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के सामने आने वाली है। एफडीआई हमारे देश में काफी ज्यादा आने वाले हैं आज के डेट में। अगर बात करें यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिलेगा 2020 और 21 के अंदर में, जो कि मतलब मिल रहा है 2020 और 21 के अंदर में, कंटिन्यू आगे भी बढ़ता हुआ ये नजर आएगा। और इसी के साथ में हमारी कंट्री में बहुत लार्ज स्केल पर मल्टीनेशनल कंपनी अलग अलग काम करी है। गूगल फेसबुक आज के डेट में हमारी कंट्री में घुस चुकी है, हर एक इंसान के मोबाइल में गूगल आप लोगों को नजर आएगा, फेसबुक भी मैक्सिमम लोगों के हाथ में आप लोगों को नजर आएगा। तो ये आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है, यानी कि लोग जो है फेसबुक पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और हमारे फेसबुक पर जो है वो रिस्ट्रिक्शन चल रही है पिछले लगभग एक साल से ज्यादा से, और वहां पर जो है वो मेंबर जो है वो घटते नजर आ रहे हैं, यानी कि लोग बढ़ रहे हैं और हमारा फेसबुक घट रहा है। मैं ऐसा क्या गलत काम करता है मुझे भी तो बताओ, ये गलत काम इतना खतरनाक काम करोगे, मैं लोगों को टेररिस्ट बना रहा हूँ ऑनलाइन बैठकर, जो सारी हरकतें देखने को मिल रही है। अगर ऐसा है तो यार ये सारी चीजें खत्म क्यों नहीं हो रही है, मेरी समझ में ये नहीं आ रही। समझ रहे हो, फेसबुक पे रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, यूट्यूब पे रिस्ट्रिक्शन चल रही है, कितने गलत काम कर रहा हूँ ना मैं, गंदा है, बहुत गंदा है, पर क्या करूं मेरा धंधा है। यूएसडी डॉलर के बारे में बात करें तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा लगभग 694 बिलियन, ये फर्स्ट क्वार्टर में आप लोगों को 2022 में यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। करंट अगर स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करें, इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है अगर आप लोगों से मैं बातें करूं तो, इसको आप लोग समझ सकते हो जिसका जो 1 बिलियन डॉलर रहेगा, सॉरी यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर 1 बिलियन डॉलर रहेगा, पर लेकिन जब 1 बिलियन डॉलर को इन रूपी में कन्वर्ट करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो ये लगभग आप लोगों को 7000 करोड़ आप लोगों के सामने यहाँ पर निकल कर आएंगे, क्योंकि 1 डॉलर को अगर 73 रुपीज में आप लोग कन्वर्ट करते हैं तो 1 बिलियन की वैल्यू आप लोग यहाँ पर ये देखने को मिलेगी, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 73 से तो लगभग आप लोगों को 7000 करोड़ रुपए जो है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये समझ सकते हैं, तो ये एक होता है यूनिकॉर्न, तो एक यूनिकॉर्न की वैल्यू होती है, तो हमारी कंट्री के अंदर यूनिकॉर्न जो है वो थर्ड लार्जेस्ट हो गए हैं। तो हमसे ज्यादा कहां पर है, यूएसए और चाइना के पास में हमसे ज्यादा यूनिकॉर्न है, तीसरे नंबर पर हमारी कंट्री में हो गए, ये आप लोग समझ सकते हैं। जो कलेक्टिवली जो यूनिकॉर्न की वैल्यू है वो 73.2 बिलियन हमारे देश में हो गई है, तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी कंट्री में किस तरीके से यूनिकॉर्न जो है वो आगे निकल कर आ रहे हैं। तो यूनिकॉर्न अगर बन जाता है इससे फायदा क्या देखने को मिलता है, अगर हमारी कंट्री में कोई इतनी बड़ी कंपनी बन गई है तो हम लोग खुद अपनी ही कंट्री में अपने द्वारा लोगों को जॉब प्रोवाइड कराएं, ना कि बाहर की कंट्री के ऊपर जॉब के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट है। तो ऐसी कई सारी रैंकिंग आती है, तो यूरोन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स के द्वारा बताया गया कि लगभग 54 हमारी कंट्री में यूनिकॉर्न आप लोग को देखने को मिल जाएंगे, जो कि एक आप लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसके बारे में याद रखेगा। और चाइना के अंदर बात करें, अगर आज के दिन में चाइना यूएसए के पीछे है ई कॉमर्स मार्केटिंग के अंदर में, तो उसमें भी हमारी कंट्री में थर्ड लार्जेस्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पिछले कुछ टाइम में अगर बात करें ई कॉमर्स सेक्टर के अंदर बहुत सारी कंपनी नहीं आई है जो कि ऑनलाइन अपना धंधा कर रही है, ऑनलाइन सामान बेच रही है। गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव के बारे में बात करें फॉर बूस्टिंग द इकोनॉमी, तो मेक इन इंडिया के बारे में याद रखिएगा, इसीलिए चलाया गया ताकि लोगों को बिजनेस व्यापार करना आसान हो जाए। नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स लाए 2019 में, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम लेकर आए जिसको पीएलआई स्कीम बोला गया। इसका मतलब क्या था कि अगर कोई कुछ प्रोडक्ट बनाना चाहता है और वो अच्छी खासी टेक्नोलॉजी ले बैठा है और वो अच्छा खासा काम कर सकता है, पर लेकिन इतना ज्यादा पैसा नहीं उसके पास में, तो कुछ छूट दे देगी गवर्नमेंट टैक्स में ताकि वो काम कर सके, प्रोडक्ट में इंसेंटिव देगी ताकि वो काम कर सके, उसके चलते स्कीम आई निकल कर, ठीक है। अब आज की डेट में अलग अलग एरिया में काम कर रही है। मेजर टेलीकॉम कंपनी अप्रूव किया यहाँ पर सितंबर के महीने में रिफॉर्म, बूस्ट कर रहे हैं यहाँ पर ग्रोथ, पार्टिसिपेशन, कंपटीशन, कंज्यूमर का रेशनलाइजेशन किया जा रहा है, एडजस्ट जो ग्रोस रेवेन्यू है वही रेशनलाइजेशन किया जा रहा है, बैंक जो गारंटी है इंक्रीज किया जा रहा है, स्पेक्ट्रम शेयरिंग को भी, यानी कि आने वाले टाइम में सारी चीजें टिकी हुई मिलेंगी टेक्नोलॉजी के ऊपर, यानी कि इंटरनेट के ऊपर। अगर इंटरनेट चलाने वाली कंपनी अगर वो ढंग से इंटरनेट प्रोवाइड नहीं करा पाएंगी और पैसा इतना ज्यादा बढ़ाती रहेंगी जैसा अभी इन्होंने बढ़ा दिया है, तो लोग जो है उसको यूज करने से पहले थोड़ा सोचेंगे कि यार इतना ज्यादा पैसा बर्बाद होगा, कैसे चीज की जाए
खासकर जिसके हाथ में पैसा नहीं है, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्यूशन निकालना है, तो ये भी एक सोचने वाला मुद्दा होगा। गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव है फॉर बूस्टिंग द इकोनॉमी, उसके बारे में याद रखेगा। डीप ओशन मिशन हमारी कंट्री में लॉन्च किया गया अगस्त 2021 के अंदर में, जिसमें लगभग 4,000 करोड़ रुपए हम लोगों ने खर्च करने की बात की, यानी कि 553 मिलियन ये आने वाले 5 साल में खर्च करने की बात की। तो ये भी हमारी कंट्री की इकोनॉमी जो बढ़ने की बात करें ना, बोला गया था इसको 2024-25 तक लगभग 5 ट्रिलियन बनाने की बात की जा रही है, तो उसके ऊपर से काम किया जाएगा। फोकस करना है रिन्यूएबल एनर्जी पर, यानी कि 40% जो हमारी एनर्जी है वो नॉन फॉसिल फ्यूल से आएगी, तो काफी सारी चीजें आप लोगों को बढ़ती नजर आएगी। लगभग 30% करेंटली आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है। 1.175 गीगावाट हम लोगों ने बोला था 2022 तक हम लोग क्या करेंगे, गीगावाट हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी बनाएंगे। अभी टारगेट हम लोगों ने इसको रख दिया है 500, ठीक है, 500 गीगावाट रख दिया गया 2030 तक का। जो आप लोगों ने देखा ना कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 हुई थी, उसमें हम लोगों ने सारी बातें की थी। ये सारे पॉइंट आप लोग आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं, समझ रहे हैं आप लोग। इंडिया और जो यूके है उनके द्वारा लॉन्च किया गया रोड मैप 2030, जिसमें कोलैबोरेट करेंगे क्लाइमेट चेंज को कैसे टैकल करना है 2030 तक का। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोग याद रखेगा। तो क्या क्या बातें मैंने आप लोगों को यहां पर बता दी इसके अंदर में, तो सबसे पहले तो हमारी कंट्री की जो रैंक है वो बढ़ने वाली है। किसके बेस पर बढ़ेगी, जीडीपी हम लोग काउंट कर रहे हैं, तो ये बातें देखिए जीडीपी क्या होती है वो बताई, किस तरीके से चीजों को प्रोजेक्ट किया जा रहा है हमारे देश में, आने वाले टाइम में कैसा ग्रोथ हमारा देखने को मिलेगा। 1 बिलियन अगर आप लोग रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो कितना होगा, कौन कौन से सेक्टर यहां पर काम करने वाले हैं, इसी के साथ में किस तरीके से यहां पर कौन कौन से सेक्टर में ज्यादा अच्छा जो यहां पर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, सेट में यहां पर देखने को मिला क्या क्या पॉलिसी गवर्नमेंट के द्वारा लाई जा रही है बूस्ट करने के लिए, ये सारी चीजें हम लोगों ने समझी। तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो लगा करे अगर लेक्चर सही है तो उसको सपोर्ट जरूर किया करो यार, इससे काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलता है, खासकर यूट्यूब जो है उसको अच्छे से अंडरस्टैंड भी कर पाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां पर इंपोर्टेंट आर्टिकल है, यहां पर अगर उत्तर प्रदेश वासी हैं तो आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट हो जाते हैं, बात करते हैं इसके बारे में। उत्तर प्रदेश के द्वारा अभी यहां पर एक प्राइज जीता गया जिसको बोलते हैं वोटर कंजर्वेशन, तो नेशनल वोटर अवार्ड के तहत यहां पर उत्तर प्रदेश के द्वारा ये अवार्ड जीता गया। आप लोग बोलोगे ये जो अवार्ड है, ये जो प्राइज है, ये जो पुरस्कार है, ये किसके द्वारा दिया गया, तो ऑर्गेनाइज कराता है यहां पर जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा, ठीक है। ये जो पर्सन है यहां पर, ये कौन है, इनका नाम चलिए आप लोग बताइए, ठीक है, देखता हूं कौन कौन बताते हैं। राजस्थान और तमिलनाडु जो है वो दूसरे और तीसरे नंबर पर है, तो उत्तर प्रदेश वासियों को बधाई हो और राजस्थान और तमिलनाडु वालों को भी बधाई हो अच्छी वाली, ठीक है। अवार्ड ऑर्गेनाइज कराया था डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स एंड रिवर जो डेवलपमेंट है, गंगा रिजुविनेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा मिलकर, और 2018 में स्टार्ट किया गया था, यानी कि अभी नया पौधा निकला है, अभी कुछ ही टाइम हुआ है इसको प्रोवाइड कराते हुए, तो अभी यहां पर इनके द्वारा ये प्रोवाइड कराया गया। फोकस किस चीज पर रहता है, अगर किसको ये प्राइज दिया जाएगा, तो ये प्राइज उसी को दिया जाएगा जो यहां पर ढंग से काम करता हुआ नजर आएगा, यानी कि एक तरीके से बात करेंगे इंडिविजुअल जो भी यहां पर काम करेगा ढंग से उसको ये प्राइज दिया जाएगा। तो विजन क्या होना चाहिए कि जल समृद्ध भारत, यानी कि हमारे देश में कम से कम पानी तो लोगों के पास में हो, तो यहां पर ये पीआईबी के द्वारा काफी अच्छे से ये न्यूज कवर की गई, जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर निकलकर आ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव यही है कि यहां पर एक तरीके से अगर बात करें तो हर एक इंसान को यहां पर इसके अंदर लेकर लाया जाए, मोटिवेट किया जाए, इंडिविजुअल को भी ऑर्गेनाइजेशन को भी अवेयरनेस फैलाया जाए कि पानी की इंपोर्टेंस क्या है, भाई साहब पानी को बर्बाद नहीं करना है। कई सारे स्टार्टअप इसमें काम करने के लिए आगे आ रहे हैं निकलकर, कैसे यहां पर प्लेटफॉर्म तैयार किया सकते हैं, पार्टिसिपेट कर चीजों को आगे लेकर चल सकते हैं ताकि इस दिक्कत का समाधान निकाला जा सके। इसी के साथ में जो यहां पर वाटर कंजर्वेशन की आखिर जरूरत क्या है ये तो बता दो, करेंगे क्या कंजर्व करके, भाई साहब हमारी बॉडी का ना 60-70% पार्ट जो है वो पानी से बन कर देना है, ठीक है। आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर पानी नहीं रहेगा तो इंसान भी खत्म हो जाएगा यहां से। तो फैक्टर क्या है जो कि वाटर स्ट्रेस बनाते हैं इकोनॉमी को, वाटर रिसोर्सेज को ओवर तरीके से यूज करना, यानी कि जहां पर कम रिक्वायरमेंट हो सकती है वहां पर भी उसको ज्यादातर यूज करना। इंडस्ट्री में देख ले बहुत सारा पानी यूज करते हैं पर लेकिन पोल्यूटेड करके उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। वाटर सप्लाई जो है वो ड्यू टू क्लाइमेट चेंज घटती हुई जा रही है, यहां पर जो सही पानी है साफ सुथरा वो अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, इसके चलते सूखा पड़ता जा रहा है, कहीं पर बारिश नहीं देखने को मिल रही है, वो दिक्कतें निकल कर आती हैं, तो कई सारे इश्यूज हैं। गवर्नमेंट जो पॉलिसीज हैं, खासकर अगर बात करें आज की डेट में, हम लोग बोले एमएसपी देंगे किसके लिए, चावल के लिए। अब चावल के लिए एमएसपी आप लोगों ने देनी स्टार्ट कर दी, इसको बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो लोग क्या करेंगे, खेतों में चावल उगाएंगे और चावल को उगाने के लिए आप लोगों को पानी पता है कितना लगता है, तो उसके लिए दुनिया भर का पानी लगेगा, और वो पानी यहां पर एमएसपी अगर दे रहे हो आप लोग उसमें, तो लोग ज्यादा से ज्यादा चावल उगाएंगे तो पानी तो ज्यादा लगेगा ही। अगर एमएसपी उन क्रॉप्स के लिए देना स्टार्ट कर दे जहां पर जो पानी की रिक्वायरमेंट कम हो तो अच्छा रहेगा, वरना सोचो कल को हम लोग एमएसपी में चावल उगा के और फिर ये चावल जो है दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इनडायरेक्ट वे में देखा जाए तो हम लोग पानी एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, पानी बेच रहे हैं हम लोग अपने देश का, तो क्यों नहीं पानी से हम लोग ने चावल उगाए, तो अपना पानी हम लोग बेच रहे हैं इनडायरेक्ट वे में बोला जाए तो। और बहुत सारी स्मार्ट कंट्री यूएसए जैसी ऐसे काम करती है, लोगों से सामान खरीदते रहती है, अपना रिसोर्सेज इकट्ठा करके रखती है, ऐसा ही है तेल के फील्ड में करते हैं, अपना तेल इकट्ठा करके रखेंगे और लोगों का तेल जो है वो खर्च करते रहते हैं, वहां से खरीद खरीद कर लेकर आते रहते हैं क्योंकि इनके पास है पैसा है। तो ये स्मार्ट टेक्निक यूज की जाती है लोगों के द्वारा कि अपनी कंट्री में चावल उगाने के है, अपना पानी बर्बाद करने के है, इंडिया जैसी कंट्री को मनाओ पटाओ और उनको लगाओ, वो अपना चावल अपना पानी देंगे हमको ला ला कर। तो ये देश में देखने को मिलेगा, हम लोग खुश होते रहते हैं कि चावल बेच दिया।
तो ऐसी फसल नहीं बेचनी चाहिए जिसमें ज्यादातर पानी लग रहा है, कम से कम वो फसल बेचे जिसमें पानी ज्यादा ना लगे और हमारे जो इन्वायरमेंट को भी कम नुकसान पहुंचे, तो वो ज्यादा एक तरीके से बुद्धिमत्ता का काम होगा। पर लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी जो पुरानी गवर्नमेंट भी जो गई वो ऐसी नहीं थी, जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिली। करंट अगर वोटर रिक्वायरमेंट के बारे में आप लोग बात करते हैं तो बोला जा रहा है कि 1100 बिलियन क्यूबिक मीटर पर ईयर यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। प्रोजेक्टेड ये किया जा रहा है कि आने वाले टाइम में ये बढ़कर यहां पर 1447 यानी 1447 बिलियन क्यूबिक मीटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और हमारा देश जो है दुनिया में लगभग 16% हमारी पॉपुलेशन है दुनिया की पॉपुलेशन की, यानी कि 138 करोड़ लोग हमारे देश में रहते हैं, तो लगभग दुनिया का 16% है ये 138 करोड़ लोग। और लगभग अगर बात करें 4% वर्ल्ड का फ्रेश वाटर हमारे पास में, यानी कि दुनिया की 16% जनता के पास में दुनिया का 4% पीने योग्य पानी है। तो समझ सकते हैं कि 4 गुना इंपैक्ट हमारे देश पर पड़ने वाले आने वाले टाइम में अगर हम लोगों ने ये चीजें नहीं सुधारी। तो इसलिए यहां पर जरूरी है कि इन चीजों को सुधारा जाए, और ये ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आंसर राइटिंग में फ्रीक्वेंटली आप लोग यूज कर सकते हैं। और डायरेक्ट भी क्वेश्चन आप लोगों से, सॉरी हिचकी क्यों आ रही है, क्या करवाओगे एक सेकेंड, तो बात क्या की जा रही है यहां पर सेंट्रल ग्रोथ वाटर बोर्ड के बारे में। तो इसके द्वारा बोला गया कि 230 बिलियन मीटर क्यूबिक जो है ग्राउंड वाटर वो ड्रॉ किया जाता है ईच ईयर। तो यहां पर पानी में जो एग्रीकल्चर में यूज करते हैं ना खेती में, तो उसके लिए हम लोग इतना पानी यहां पर इस्तेमाल करते हैं। तो अगर ढंग से पानी को यूटिलाइज नहीं किया तो हम लोग अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारते हुए नजर आएंगे। ये बातें इनडायरेक्ट वे में बोली जा रही है। तो आने वाले टाइम में रिलेटेड कई सारे इनिशिएटिव है, जैसे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, तो इसमें कई सारे हम लोग क्या करते हैं वाटर कंजर्वेशन के प्रोग्राम भी इसमें चलाते हैं, कई सारे हम लोग काम करते हैं ताकि पानी को लेकर चला जा सके। जल क्रांति अभियान हमारे देश में चलाया गया, इसी के साथ में कैच द रेन, ये तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था, कैच द रेन नेशनल वाटर मिशन चलाया गया, यानी कि जो बारिश पड़ती है जो जमीन पर इतनी सारी उसको कैसे इकट्ठा कर सकते हैं हम लोग, तो उससे भी हम लोग पानी को रिक्वायरमेंट को काफी हद तक कमी पूरी कर सकते हैं। नीति आयोग कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स प्रस्तुत किया जाता है, इसमें भी यहां पर लोगों को कंपटीशन के अंदर लाया जाता है ताकि पानी को ढंग से यूटिलाइज किया जा सके। जल जीवन मिशन इसी के पर्पज से काम करता है। अटल भूजल योजना, पानी जो है बेसिकली जमीन के अंदर में जो कि वाटर टेबल होती है वो घटती जा रही है पानी के अंदर का, जमीन का पानी निकालते जा रहे हैं पर लेकिन वो पानी इतना अंदर नहीं जा पा रहा है जमीन के अंदर जितना जाना चाहिए बारिश के टाइम पर। क्यों? क्योंकि जगह जगह हम लोगों ने रोड बना दिए, कंक्रीट की वहां पर पत्थर बिछा दिए, तो बारिश बरसती है तो पानी जमीन के अंदर नहीं जाता है, तो वो दिक्कतें देखने को मिलती है। और जल शक्ति अभियान के बारे में तो आप लोगों को हजारों बार बता ही चुका हूं, तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये कई सारे इनिशिएटिव है पर लेकिन ये इनिशिएटिव भी इतना काम नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे इतना काम? क्योंकि जब एक तरीके से नहीं, जब हमारे जैसे लोग नहीं सुधरेंगे तो इनिशिएटिव क्या काम कर लेंगे, ऐसा आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट था काफी आर्टिकल यहां पर देखा, उत्तर प्रदेश के द्वारा टॉप किया गया, राजस्थान तमिलनाडु दूसरे तीसरे नंबर पर, पीआईबी की ये न्यूज थी। यहां पर ऑब्जेक्टिव क्या है और कैसे अब यहां पर इसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है यहां पर और क्या क्या सॉल्यूशन है, तो पूरा एक आंसर आप लोग इसके बेस पर लिख सकते हो। आई होप कि आप लोग चीजें समझ गए होंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक काफी ज्यादा रहने वाला है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, सारे चक्षु वीडियो के एंड तक आप लोग खुल जाएंगे। अगर संविधान के अंदर आप लोग जाएंगे तो पार्ट जो 4 है उसमें है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि डीएसपी के बारे डीपीएसपी के बारे में हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं। तो डीपीएसपी के बारे में जानेंगे यहां पर, जो कि पार्ट 4 में आप लोगों को देखने को मिलेगा, और आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक यहां पर सारी बातें आप लोगों को समझ में आती है डीपीएसपी के अंदर में। इसके लिए बेसिकली यहां पर क्या बातें हैं वो मैं डिस्कस करूंगा, और अगर आप लोगों को लगता है डीपीएसपी में कोई भी डाउट है तो पॉलिटिकल लेक्चर डीपीएसपी बाय वीर सर्च कर लेना, सारे चक्षु आप लोगों के खुल जाएंगे। आइए अब आगे चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा बोला गया अभी एक पीआईएल गई, पीआईएल बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि जनता को फायदा पहुंचाने के लिए अगर कोर्ट में कोई यहां पर लिटिगेशन जाती है तो उसके बारे में बात करते हैं। 2019 में कि यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो देश के अंदर इंप्लीमेंट करना चाहिए, समान नागरिक संहिता इस बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को, यानी कि कल को चलकर किसी की शादी होती है, विवाह होता है, किसी का तलाक होता है, तो वो सारे धर्मों के लिए एक जैसा होना चाहिए, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। सिविल जितने भी मैटर हैं यहां पर सोसाइटी के लिए, सिविल कोड बोला गया सोसाइटी में जितने भी मैटर हैं उनके लिए यहां पर उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए, वो सबके लिए इक्वल होना चाहिए, वो रिलीजन के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए, कास्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए। तो ये बातें ऑलरेडी हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा आर्टिकल 44 यानी कि अनुच्छेद 44 में बोली गई थी। अनुच्छेद 44 में इसलिए रखी गई क्योंकि उनको खुद ही पता था 44 होता है वो यूनिफॉर्म होता है, यानी कि 4-4, तो इसलिए बोला गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो इस आर्टिकल के अंदर रख लेना, याद करने के लिए भी इसको याद रख सकते हैं। तो सेंटर के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया लॉ कमीशन के द्वारा, जो कि 21st लॉ कमीशन है,
बोला गया कि यहाँ पर वेरियस जो भी इश्यूज हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो उनके ऊपर कोई ना कोई रिकमेंडेशन यहाँ पर आनी चाहिए। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जब बात करते हैं तो वन लॉ फॉर द एंटायर कंट्री, यानी कल को कोई शादी करता है, डाइवोर्स करता है, कोई इनहेरिटेंस, कोई प्रॉपर्टी एडॉप्शन के बारे में बात करता है, तो सबके लिए पर्सनल कोई मैटर होते हैं जो भी, तो उनमें यहां पर सबके लिए वो इक्वल होना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति और किसी भी धर्म का क्यों ना हो। ये बातें बोली जा रही है, काफी अच्छे से कवर किया गया यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा ये आर्टिकल, तो इसको डिटेल में मैं कवर करने वाला हूँ। एक बच्चा कह रहा है कि सर जैसे द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन लिखते हो, इसको भी इंडियन एक्सप्रेस का डिस्कशन लिख दिया करो। यार देखो, ये वाला इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, ठीक है, इससे पहला जो आर्टिकल था वो कैसा था आप लोगों का, एक आर्टिकल मैंने अभी आप लोगों का पीआईबी का डिस्कस किया था इससे पहले, ठीक है, ये पीआईबी का था, तो अलग अलग सोर्स यहां पर रहते हैं, तो इसलिए नहीं लिख सकता, इसलिए मैंने इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी लिख दिया, टेंशन मत लिया करो आप लोग, ठीक है, तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर ये काफी अच्छे से कवर किया गया, तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, समझ लेते हैं। आर्टिकल 44 ये बोलता है संविधान का कि हमारे देश में डीपीएसपी के अंदर बातें रखी गई थी कि गवर्नमेंट आगे चलकर चाहे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड बना सकती है। तो बोला गया है द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन ए यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि पूरी कंट्री के अंदर हम लोग इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और ये तो बोल दिया गया, पर लेकिन ये रख दिया कहां पर, ये रख दिया गया किसके अंदर, पार्ट 4 के अंदर। तो पार्ट 4 के अंदर क्या है, वो है डीपीएसपी, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। पर लेकिन अगर यही चीजें हम लोग हैं पार्ट 3 के अंदर रख देते और फिर कोई इनको इंप्लीमेंट नहीं करता, तो हम लोग डायरेक्ट कोर्ट में चले जाते और बोलते भाई इनको पूरा करो, क्यों, क्योंकि फंडामेंटल राइट के जो पार्ट 3 है उसमें है यहां पर बेसिकली कोर्ट में आप लोग जा सकते हैं अगर कोई आप लोग फंडामेंटल राइट को पूरा नहीं कर रहे। पर लेकिन ये डीपीएसपी के अंदर है, तो इसमें आर्टिकल 37 के अंदर ये बोला गया कि नॉन जुडिशियल, यानी कि आप लोग कोर्ट में नहीं जा सकते भाई इसको लेकर, ठीक है। तो यहां पर इसका बेसिकली है कि गवर्नमेंट अपने हिसाब से डिसाइड करे, उसको इंप्लीमेंट करे ताकि लोगों तक चीजें पहुंचती रहे। अगर स्टेटस ऑफ यूनि कोड, अगर यूनिफॉर्म कोड के बारे में बात करें, तो इंडिया के द्वारा यहां पर लॉ बनाए गए यूनिफॉर्म कोड के लिए कई सारे मैटर पर, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872 का, ये अंग्रेजों के टाइम पर आप लोगों को देखने को मिल रहा था। सिविल प्रोसीजर कोड है, ये आजकल में सबके लिए एक जैसा देखने को मिलता है अगर किसी ने कोई हरकतें की है। ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, ये 1882 का एक जैसा देखने को मिलता है। पार्टनरशिप में किसी के जाना है तो 1932 का एक्ट है। एविडेंस एक्ट है 1872 का। तो ऑलरेडी कई सारे ऐसे एरिया हैं जिसमें हम लोगों ने ये काम किया है, पर लेकिन पर्सनल मैटर में अभी ये काम करना जरूरी है जो कि सबसे ज्यादा दिक्कत क्रिएट करता है। तो पर्सनल मैटर के ऊपर ये काम करने की बात की जा रही है। अच्छा मैं आप लोगों से पूछूं, बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, आप लोगों को कैसा लगता है अगर कोई बोले पर्सनल मैटर के ऊपर यहां पर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो सबका एक जैसा होना चाहिए, अगर कोई आप लोगों से पूछे तो आप लोग क्या इसको थम्स अप दोगे कि हाँ बड़ी सही बात है इसको करना चाहिए, तो आप लोग इसको क्या बोलोगे कि ऐसा कुछ होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। तो अगर आप लोगों से थोड़ी सी और बातें करूं स्टेटस ऑफ यूनिफॉर्म कोड के बारे में, तो आप लोगों को पता है अगर कोई मोटर गाड़ी सड़क पर आप लोग चलाते हो और कोई उल्टी सीधी हरकतें आप लोग करते हो, तो चाहे आप लोग किसी भी धर्म क्यों ना हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अगर आपके पास में यहां पर हेलमेट नहीं है, आपके पास में अगर यहां पर पॉल्यूशन नहीं है गाड़ी का, तो चालान कटेगा किसी भी रिलीजन के क्यों ना हो। तो ये क्या हो गया, ये यूनिफॉर्म कोड ही तो हो गया, तो यानी कि यहां पर ऑलरेडी हम लोग इसको फॉलो तो कर रहे हैं, ऐसे नहीं फॉलो नहीं कर रहे हैं, पर लेकिन कई बार इसकी इंप्लीकेशन देखने को मिलती है, यानी कि पर्सनल लॉ के बारे में जब बात करते हैं, ये तो चले गाड़ी की बात हो गई, ठीक है कि गाड़ी चला रहे हैं ठीक है, इसका कोई रिलीजन विलीजन से कोई बातें नहीं करते हैं, पर लेकिन जब रिलीजन के बारे में बात करते हैं, माइनॉरिटीज के बारे में बात करते हैं, एक तरीके से यूनिटी प्रमोट करने के बारे में बात करते हैं, तो वहां पर इसके अलग अलग इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कोई इंसान अगर शादी कर रहा है वो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर आता है, कोई इंसान शादी कर रहा है वो हिंदू कम्युनिटी के अंदर आता है, कोई शादी कर रहा है वो ईसाई के अंदर आता है, कल को चलकर डाइवोर्स दे रहे हैं, तो ये अपने अपने कोशिश करते हैं कि रिलीजन को फॉलो किया जाए, पर लेकिन हमारी कंट्री में कोशिश की जा रही है कि इनको भी यूनिफॉर्म कोड के अंदर लाने की कोशिश की जाए। तो यहां पर इसके चलते हर एक रिलीजन की जो वुमेन है उसको फायदा देखने को मिलेगा, जो भी दिक्कतें होंगी उसका सोल्यूशन निकलता हुआ नजर आएगा। यानी कि हम लोग एक सेक्युलर कंट्री में रहते हैं जो हमारा धर्म निरपेक्ष कंट्री है, तो उसके चलते एक जेंडर जस्टिस यहां पर होना चाहिए। तो इसलिए बोला जा रहा है कि सारे जो भी पर्सनल लॉज हैं वो सबके लिए इक्वल होने चाहिए। तो इससे क्या रहेगा, सिंप्लीफिकेशन देखने को मिलेगा लॉ के अंदर में। तो मैरिज सेरेमनी होगी, प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, किसी को अडॉप्ट करना है बच्चे को वो लेना है, किसी फेथ के बारे में बात करें, सिविल लॉज इररिस्पेक्टिव ऑफ फेथ। तो ये ऐसे होते हैं कि आप लोग का रिलीजन के ऊपर फोकस ही नहीं देते हैं, आप लोग किसी भी रिलीजन के हो, पर लेकिन अगर किसी गलत वुमन के किसी वुमन के साथ में गलत हो रहा है तो वो गलती हो रहा है भाई साहब, उसको यहां पर ये रोकने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ में एक आइडियल ऑफ सेक्युलर, यानी कि एक तरीके से यहां पर सेक्युलर लेकर आएंगे जो कि कॉमन सबके लिए रहेगा, वो ये नहीं बोलेगा ये हिंदू है ये मुस्लिम है ये सिख ईसाई है सबको अलग अलग ट्रीट करो, नहीं, ये इंसान है उससे बाद में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, तो सबको इंसान के हिसाब से ट्रीट करो। तो इंसानियत सबसे ऊपर इसके द्वारा रखी जाती है। जेंडर जस्टिस के बारे में आप लोगों से बात करें तो ये भी काफी इंपोर्टेंट यहां पर हो जाता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है यहां पर ऑल पर्सनल लॉज जो है वो यहां पर एग्जिस्ट करेंगे, उसके साथ में यहां पर ये इसके अंदर सारा कॉमन हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर जेंडर बायसनेस जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है, वो यहां पर खत्म होगी अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आते हैं, यानी कि लड़का और लड़की में जो मतभेद किए जाते हैं तो उसको हम लोग यहां से निकाल पाएंगे। तो ये भी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसके बारे में बात की जा रही है तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो कि फायदा पहुंचाएंगे।
पर आप लोग बोलने लगो कि सर ऐसा बताइए कि किसी देश में किसी राज्य में ऐसा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आज के डेट में हम लोग फॉलो कर रहे हैं। हाँ भाई साहब बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं, क्यों नहीं, गोवा में आप लोग देख लो जाकर, इसी के साथ में दमन एंड दीव में आप लोग जाकर देख लो, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉलो किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पर फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ में नागालैंड और मिजोरम के अंदर भी कुछ ना कुछ एक्सेप्शन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। रिलीजियस बेस उन्होंने अपने कुछ यहाँ पर प्रोविजन बना रखे हैं। नागालैंड के बारे में और इनके बारे में बात करते हैं तो आप लोगों को पता है आर्टिकल 371A और यहाँ पर आर्टिकल 371G, ये यहाँ पर इनको प्रोविजन देते हैं कि आप लोग इस तरीके से अपने कुछ स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये फॉलो नहीं हो रहे, हो रहे हैं, पर लेकिन सब जगह नहीं हो रहे हैं। तो चैलेंज क्या होता है, चैलेंज क्या आते हैं निकलकर, देखिए सबसे ज्यादा खतरनाक कम्युनिटी हमारे देश में वो है पॉलिटिशियन, ठीक है। तो कॉम्युनल पॉलिटिक्स हो जाती है सोसाइटी के नाम पर, धर्म के नाम पर, तो ये काम नहीं चलने देते आगे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल हर्डल क्या है, वो है रिलीजन का, आर्टिकल 25 ये कहता है किसी के रिलीजन के अंदर इंटरफेयर ही ना करो आप लोग, ठीक है। इसके चलते कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं, पर लेकिन यहां पर अगर बात करें कॉन्फ्लिक्ट यहां पर आता है कि आर्टिकल 14 ये भी कहता है कि राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात करें तो अपने आप में ही हमारे फंडामेंटल राइट जो है वो लड़ते हुए नजर आएंगे। यानी कि जब राइट टू रिलीजन के बारे में बात करते हैं तो बोलते हैं हर एक इंसान को अपना रिलीजन फॉलो करने दो, पर लेकिन राइट टू इक्वलिटी के बारे में भी कहते हैं कि सारे इंसान जो है वो इक्वल होना चाहिए, तो हो गए ना दोनों के बीच में लड़ाई यहां पर, ये इक्वलिटी के बारे में बात करते हैं फिर कहते हैं हर एक को अपना रिलीजन फॉलो करने दो। तो इनके बीच का बैलेंस क्या निकालना है, तो वो होता है बुद्ध वाला पाथ, तो उसके बारे में फोकस देने की बात यहां पर की जाती है ताकि सॉल्यूशन को निकाला जा सके। तो इसके चलते कोशिश ये की जाती है कि बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करो। बी एन राव कमेटी बनाई गई थी कोडिफाइड करने के लिए 1941 में, याद रखना बी एन राव कमेटी 1941 में बनाई गई थी कि ऐसा कुछ होना चाहिए। और 1956 में हमारी कंट्री में हिंदू के लिए हम लोगों ने एक तरीके से द हिंदू सक्सेशन एक्ट लेकर आए, तो ये हिंदू सक्सेशन एक्ट जो था इसको फॉलो किया गया। तो अमंग द हिंदू बुद्धिस्ट जैन और सिख जो थे उनको इंप्लीमेंट किया गया। सेपरेट पर्सनल लॉ के बारे में बात की जा रही है मुस्लिम क्रिश्चियन और पारसीज के लिए, तो उसके चलते याद रखिएगा। तो ओरिजिन जो है ये 1835 में लगभग यहां पर अगर बात करें अंग्रेजों के टाइम पर आप लोग जाएंगे तो वहां से देखने को मिलेगा। क्राइम एविडेंस और कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर यहां पर पर्सनल लॉज लेकर आएंगे, तो उनको बेसिकली आउटसाइड रखा गया, बाकी की कई सारी चीजें जो थी यूनिफॉर्म हो गई, तो इसके बारे में याद रखते हैं। यानी कि यूनिफॉर्मिटी के बारे में बात करें, किसी ने कोई गलत हरकतें की है तो वहां पर यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी आप लोगों को, किसी ने क्राइम किया है कोई कॉन्ट्रैक्ट में जा रहा है, पर लेकिन स्पेसिफिकली जो रिकमेंडेशन है वहां पर वो पर्सनल लॉज के लिए है जिनको बाहर रख दिया गया था। तो उसी के चलते बी एन राव कमेटी देखने को मिली और 1956 में यहां पर ये चीजें निकल कर आई जो मैंने अभी आप लोगों को बताई। तो इनको फॉलो करने की बात की जा रही है, तो आप लोगों के मन में ये आ रहा हो कि आज से पहले ऐसा कोई तैयार नहीं किया गया काम, भाई साहब कई बार ट्राई किया गया। साबानो केस आया था 1985 का, इसी के साथ में यहां पर सरला मुगदल केस था ये 1995 का, ठीक है। यहां पर बात की गई थी अगर कोई इंसान जो है वो एक के साथ में दो दो शादी करता है तो उसको कैसे टैकल करना है, कई सारी बातें निकल कर आई। ट्रिपल तलाक वाला इशू अभी यहां पर निकल कर आते हैं। अगर बात करें पॉलीगैमी को रोकने के लिए यहां पर कोशिश की जाती है, ठीक है, ताकि एक वुमेन जो है वो एक हस्बैंड एक तरीके से एक पर्सन जो है वो एक एक इंसान के साथ में शादी करें, तो कोशिश की जाती है। तो ये सारे ऐसे हैं कि यहां पर ताकि चीजों को पैटर्न में लेकर चला जा सके, पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिलती है रिलीजन के नाम पर, फंडामेंटल राइट के नाम पर, तो कहीं ना कहीं यहां पर क्वेश्चन उठा देते हैं कि क्या हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आ सकते हैं, क्योंकि वो ये चीजें रोकते हैं जो चीज यहां पर इंप्लीमेंट करने की बात की जाती है, तो एक दूसरे में झड़प यहां पर हो जाती है। तो ये मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो समझ में आ गया, तो कोई कंफ्यूजन यहां पर नहीं होना चाहिए। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में क्या है, किस आर्टिकल में है, कौन से आर्टिकल के थ्रू इसको इंप्लीमेंट करने से रोका जा सकता है, ये जुडिशियल नहीं है नेचर के बारे में, अब तक क्या ऐसा कुछ कानून बना है, फंडामेंटल राइट कौन कौन से है वो भी मैंने आप लोगों को यहां पर बता दिए। एक और यहां पर आप लोग थोड़ा सा एक्सेप्शन के तौर पर देख सकते हैं जो मैंने बताया, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर के बारे में मैंने बता दिया, यहां पर एक्सेप्शन आप लोगों को देखने को मिलता है। इस पर सेकंड जो यहां पर अगर बात करें जब ऐड किया गया यहां पर 1968 में, ठीक है, तो यहां पर रिनोकांस करके यहां पर अगर बात करें तो फ्रांस के अंदर यहां पर जो पोंडीचेरी थी तो उनके द्वारा चीजों को इंप्लीमेंट कर दिया, क्योंकि फ्रांस जो था वो पोंडीचेरी जो था वो यहां पर इनके कंट्रोल में होकर था, और ये मैंने आप लोगों को बता ही दिए सारी बातें। तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, सारी चीजें एक एक कर मैंने कवर करा दी। कल को यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में लिखने के लिए भी आ जाएगा ना, तो आप लोग आंख बंद कर इस चीजों को लिख सकते हो सारी अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये जो आर्टिकल है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और इंडिया और बेसिकली नेपाल के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप लोग नेपाल को मैप में निहारोगे तो अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे, ये है नेपाल, इसको उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, ये पांच राज्य आप लोगों को टच करते हुए नजर आएंगे। ऊपर से इसको चाइना टच करता है, तो इंडिया और चाइना के बीच में नेपाल जो है वो सैंडविच है, जो कि नॉर्मली आप लोग बोलते हैं किसी के बीच में दबा हुआ एरिया। तो ये सैंडविच जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है इसके ऊपर पूरा आर्टिकल है, समझने की कोशिश करेंगे क्या क्या बात की जा रही है, बहुत सारी डिटेल में आप लोगों को बताने वाला हूं, तो टकटकी लगाकर सुनिएगा क्या क्या बातें हैं, समझ लेते हैं। अभी यहां पर हमारी कंट्री में जो केंद्रीय मंत्री है, पहले देखिए यहां पर न्यू ब्रिज की कनेक्टिविटी की बात की जा रही है इंडिया और नेपाल के बीच में, और बात की जा रही है यहां पर धारचूला। तो धारचूला जो वाला एरिया है यहां पर अगर इसके बारे में आप लोगों से बात करेंगे तो ये बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा एग्जैक्ट बॉर्डर पर। तो कुछ धारचूला तो इंडिया के अंदर में है और कुछ धारचूला नेपाल के अंदर में है। तो ये जो धारचूला है यहां पर इसके बारे में बेसिकली बात की जा रही है, तो अगर कनेक्ट किया जाएगा धारचूला उत्तराखंड का, धारचूला नेपाल का,
तो यहां पर एक रिवर आएगी, इसको बोलते हैं महाकाली रिवर। तो इस महाकाली रिवर पर एक न्यू ब्रिज बनाने की बात की जा रही है। तो याद रखेगा महाकाली रिवर और यहां पर इंडिया और नेपाल के बीच में, तो ये कंप्लीट होगी आने वाले 3 सालों के अंदर में। तो धारचूला उत्तराखंड और टेरिटरी जो नेपाल के अंदर में, तो लोगों की लाइफ जो है वो सुधरती हुई नजर आएगी। तो बात होगी एक रिवर के बारे में, तो थोड़ा सा एक रिवर के बारे में जान लेते हैं। ये जो काली रिवर है जिसको महाकाली रिवर बोलते हैं, ये यहां पर शारदा रिवर और काली रिवर जानी जाती है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में शारदा और काली रिवर के नाम से बोलते हैं। ज्वाइन करती है घाघरा को उत्तर प्रदेश में अंदर जाकर, और ट्रिब्यूटरी बन जाती है गंगा की है, ठीक है। तो घाघरा जो है किसकी ट्रिब्यूटरी है, गंगा की। रिवर जो प्रोजेक्ट है यहां पर, ये आप लोगों को यहां पर तनकपुर हाइड्रो प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा, इसी के साथ में यहां पर चेमेलिया हाइड्रो प्रोजेक्ट इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, कैमेलिया भी आप लोग बोल सकते हैं वैसे। शारदा रिवर आप लोग यहां पर देखते हैं बैरेज, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कई सारे प्रोजेक्ट है ऑलरेडी रिवर के ऊपर। तो बेसिक मुद्दा क्या है यहाँ पर कि आप लोग इसकी कनेक्टिविटी समझिएगा यहाँ पर, ठीक है। काला पानी वाला ये इंसिडेंट जो है वो इंडिया और नेपाल के बीच में बेसिकली यहाँ पर इश्यू रहता है। यहाँ पर हो गया बेसिकली नेपाल, यहाँ पर हो गया इंडिया और ऊपर हो गया चाइना। तो ये एग्जैक्ट बॉर्डर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये नेपाल जो है वो टू ट्राई जंक्शन आप लोगों को इंडिया और चाइना के बीच में जो देखने को मिलता है। ये काला पानी और यहाँ पर लिपू लेक वाला एरिया मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था, फिर से न्यूज में आएगा, फिर से बता दूंगा इसको बेसिकली क्या रहता है। ये ऐसा एरिया है जो काफी लंबे समय से इंडिया के पास में रहा है, पर लेकिन अभी आप लोगों को पता है नेपाल के अंदर में कुछ ऐसे लीडर चुनकर आ गए थे जो चाइना की गोद में बैठे रहते हैं, तो उनके द्वारा कोशिश की गई कि यहां पर इसको इशू बनाया जाए, और यहां पर रिसेंटली अभी उन्होंने अपने मैप के अंदर इसको दिखा दिया, जिसकी वजह से ये इशू बन गया था। और ये तो ट्रीटी भी मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी, सगुली ट्रीटी, आप लोग सर्च करेगा सगुली ट्रीटी, अगर आप लोग सर्च करोगे तो खुलकर आप लोग के सामने एक वीडियो आ जाएगी जिससे मैंने डिटेल में डिस्कस की थी। तो सगुली ट्रीटी हुई थी नेपाल और ब्रिटिश इंडिया के बीच में, जो कि यहां पर काली रिवर के बारे में बात करती है। तो वो बाउंड्री जो है उसके चलते इशू बन जाता है दोनों कंट्री के बीच में। काला पानी का कुछ रिवर जो है बोलते हैं कि ब्रिटिश ने बोला था यहां तक रहेगा, इंडिया ने बोला था यहां तक रहेगा, ये बिल्कुल ऐसे से फिंगर एट वाला मैंने मैप नहीं बताया था कि बोलते हैं फिंगर एट यहां तक आएगी, बोलते हैं फिंगर एट यहां तक आएगी। तो इंडिया और चाइना के बीच में यहां पर 4 फिंगर बेसिकली कटी फिरती है। तो वही पानी आप लोग यहां पर देखने को, काला पानी का कुछ एरिया बोलते हैं कि ये रिवर यहां से जाती है, कुछ बोलते हैं यहां से जाती है। तो ये जो यहाँ पे कॉमन रिवर आ जाती है, तो नेपाल बोलता है यहां तक आएगी रिवर इंडिया की साइड से, इंडिया बोलता है नहीं यहां तक आएगी। तो दोनों के बीच में ये डिस्प्यूट नजर आता है, जो कि यहां पर अभी एक बड़ा इशू बन गया है। तो इसके चलते यहां पर ये न्यूज में आ गया। तो इसी काली रिवर के ऊपर ब्रिज बनाने की बात की जा रही है, जो कि एक प्रोडक्टिव स्टेप आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। इंडिया और नेपाल के रिलेशन यार काफी हिस्टोरिकल है, इतने ज्यादा पॉपुलर रिलेशन शायद ही किसी के हुआ करते थे। हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ से बात करें और बुद्धिज्म के बारे में बात करें तो एक दूसरे के साथ में काफी ज्यादा कनेक्टेड है। पॉपुलरली इसको रोटी बेटी का रिश्ता भी आप लोग बोलते हैं। आप लोगों को देखने को मिलेगा कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके रिलेशन जो है आप लोगों को नेपाल में देखने को मिल जाते हैं। किसी के नानी है तो नेपाल में, मुझे अपने फ्रेंड याद आ जाते हैं जब भी यहाँ पर बात आती है, वो बोलते हैं मेरी नानी जो थी वो एनआरआई थी, तो नेपाल की थी उनकी नानी, तो ऐसा आप लोग समझ सकते हैं। इसी के साथ में इंडिया और नेपाल के बीच में हिस्टोरिकल टाई आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इंडिया नेपाल जो ट्रीटी और पीस है ये 1950 में साइन की गई थी, ठीक है। तो ये काफी इंपोर्टेंस रखती है दोनों कंट्री के बीच में। डिफरेंट एंगल से देखा जाए अगर चीजों को अगर यहाँ पर, तो स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस है काफी ज्यादा हमारी कंट्री के लिए, नेपाल की, खासकर नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंपोर्टेंट रोल है यहाँ पर अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी नेपाल का। पर नेपाल भी कई बार क्या करता है, एक कार्ड प्ले करता है कि इंडिया को कैसे टैकल करना है। तो इंडिया को अगर कुछ फायदा निकलवाना है इंडिया से, तो चाइना की गोद में जाकर बैठ जाओ तो फायदा देखने को मिल जाएगा। तो कई बार यहाँ पर ये चीजें करते हुए लोग नजर आते हैं। रिवर ओरिजिनेट होते हैं कई सारी जो कि हमारी कंट्री में, हाइड्रो पोटेंशियल रखते हैं दोनों कंट्री के बीच में। तो ये इंपोर्टेंट पॉइंट आंसर राइटिंग में आप लोग यूज कर सकते हैं, कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। इसी के साथ में आगे चलते हैं यहाँ पर अगर ट्रेड के बारे में, तो नेपाल जो है लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, इंडिया जो है लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है नेपाल का, ठीक है। और इसी के साथ में यहाँ पर ट्रांजिट भी प्रोवाइड कराता है नेपाल को, अगर ट्रेड के बारे में आप लोग बात करते हैं। अगर नेपाल को सोचिए आप लोग एक मिनट, नेपाल की लोकेशन को रिकॉल कीजिए अपने दिमाग में, और सोचिए नेपाल को अगर ओशन के अंदर जाना है, तो यहां से अगर नेपाल निकल के आएगा ओशन के अंदर, तो ये तो बांग्लादेश से होता हो जाएगा, फिर भी इसको इंडिया का जो है बेसिकली वेस्ट बंगाल का रीजन यूज करना पड़ेगा, या फिर बिहार से होते हुए वेस्ट बंगाल से होते यहां पर आएगा। तो बांग्लादेश से जाए चाहे यहां से आए, दोनों जगह इंडिया से निकल कर होना चलना पड़ेगा, या फिर चाइना है ऑल्टरनेटिव तो फिर उधर से होकर जाएगा ये, ठीक है। तो नेपाल जो है इंडिया के ऊपर काफी हद तक डिपेंडेंट है, इसलिए नेपाल कई बार बोलते हैं कि इंडिया जो है वो अपनी पोजीशन का फायदा उठाता है और मुझे गलत तरीके से ट्रीट करता है, तो ऐसी भी बातें कई बार देखने को मिलती है। हालांकि वो उसके खुद के शब्द नहीं होते हैं, 3 इडियट की मूवी मुझे याद आ जाती है वहां पर कि शब्द हमारे हैं बोल वो रहा है, यानी कि शब्द चाइना के होते हैं बोल नेपाल रहा होता है, ऐसी चीजें देखने को मिलती है। डिफेंस कोऑपरेशन के बारे में बात करें तो आर्मी का कई सारे असिस्टेंट देखने को मिलते हैं। गोरखा जो रेजिमेंट है इंडियन आर्मी की, उसमें बहुत सारे आप लोगों को नेपाली लोग उसमें देखने को मिल जाते हैं। इंडिया के द्वारा यहां पर 2011 से ज्वाइंट मिलिट्री सूर्य किरण एक्सरसाइज दोनों कंट्री के बीच में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें दोनों कंट्री के बीच में जब आप लोग बात करोगे यहां पर, ठीक है। कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो बहुत सारी कनेक्टिविटी के रीजन आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि नेपाल की साइड से और हमारी साइड से ओपन आप लोगों को कई जगह यहां पर बॉर्डर नजर आ जाएंगे, ठीक है। तो वन साइड ओपन है टुवर्ड्स द तिब्बत अगर बात करें यहां पर, ठीक है।
चीजों के लिए यहाँ पर कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो नेपाल वैसे लॉकडाउन कंट्री है, पर लेकिन एक साइड से यहाँ पर ये चाइना से होकर जा सकते हैं, दूसरी साइड से इंडिया से। तो अगर बात करें इलेक्ट्रिक रेल ट्रैक लिंक की बात की जा रही है यहाँ पर काठमांडू विद रक्सोल इन इंडिया, ठीक है। इसी के साथ में नेपाल सागर माथा ये माउंट एवरेस्ट विद यहाँ पर सागर इंडियन ओशन के थ्रू यहाँ पर कनेक्ट करने की बात की जाती है। तो कई सारे ऐसे ट्रेडिशनल चीजें हम लोग लेकर चल रहे हैं ताकि कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सके, ठीक है। तो नेपाल जो है काफी इंपोर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। अगर बात करें आप लोग देखते हैं कई सारे ऐसे टाइगर रिजर्व भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जो इंडिया और नेपाल के बीच में, कुछ नेपाल के अंदर है कुछ हमारी कंट्री के अंदर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो ये भी कई सारी इंपोर्टेंट चीजें हैं। माउंट एवरेस्ट जो है ये देखने को मिलेगा, सागरमाथा नेशनल पार्क भी आप लोग यहाँ पर नजर आता है, इसके बारे में भी आप लोग याद रख सकते हैं। माउंट एवरेस्ट अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों के सामने आएगी यहाँ पर, ये है वो चोटी, ठीक है। आप लोग देखते हैं ये है माउंट एवरेस्ट, आप लोगों ने जिस किसी ने नहीं देखी आज आप लोगों को माउंट एवरेस्ट दिखा देता हूँ, फिर मत बोलना माउंट एवरेस्ट नहीं देखी है। पर क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर, माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है ये दुनिया में सबसे ऊंची है, पहले इंडिया के द्वारा नापी गई थी यहाँ पर, फिर ये नापी गई अभी नेपाल के और चाइना के द्वारा मिलकर। तो इंडिया के द्वारा जब नापी गई थी वो तब कितनी थी और अभी नेपाल और चाइना के द्वारा मिलकर नापी गई है तो अब कितनी है, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग यहाँ पर माउंट एवरेस्ट की यहाँ पर देखने को आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग बताइए, क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए। इंडिया और नेपाल के कल्चर रिलेशन के बारे में बात कर तो आर्ट और कल्चर में काफी अच्छे नजर आते हैं यहाँ पर, खासकर काठमांडू वाराणसी, इसी के साथ में लुम्बिनी बोधगया और यहाँ पर जनकपुर अयोध्या, तो इनको कनेक्ट करने की बात की जाती है सिस्टर सिटी एग्रीमेंट के थ्रू दोनों कंट्री के बीच में। इसी के साथ में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, नेपाल के अंदर बाढ़ आए अर्थक्वेक आए या कोई भी काम हो तो हमेशा इंडिया जो होता है वो हमेशा उसके पास में आप लोग खड़ा हुआ मिलेगा हर एक सिचुएशन में, यानी कि सबसे अच्छा अगर कोई हेल्प प्रोवाइड करा सकता है तो है इंडिया, क्योंकि कनेक्टिविटी काफी अच्छी है। मल्टीलेटरल फोरम में BIN इनके बांग्लादेश, फिर इसके आगे इतना याद मत किया करो यार, पढ़ा लेने दो मुझे बांग्लादेश भूटान इंडिया और नेपाल देखने को मिलेगा। बिम्स्टेक के बारे में बात करें तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन देखने को मिलेगा। नॉन अलाइन मूवमेंट जिसको आप लोग नेम बोलते हैं उसमें भी दोनों कंट्री साथ में काम करती नजर आती है, और साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन जो साख है उसमें भी दोनों कंट्री जो है वो मिलकर यहां पर काम करती है। तो कई जगह आप लोगों को देखने को मिलेंगे, पर लेकिन जब अच्छी अच्छी चीजें रहती है तो कुछ बुरी भी रहती है, जैसे इंडिया नेपाल के जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं इश्यूज चैलेंज भी निकल कर आते हैं जब चाइना यहां पर आकर उंगली करता है। तो नेपाल जो है वो अभी चाइना के इन्फ्लुएंस में काफी ज्यादा है, तो इसके चलते यहां पर चाइना जो है नेपाल को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर लेकर आ रहा है। चाइना का नेपाल के अंदर काफी ज्यादा दबदबा बढ़ रहा है जिसकी वजह से दोनों कंट्री के बीच में दिक्कत निकल कर आ रही है। सोचो कल को जैसे तिब्बत चाइना ने अपने कंट्रोल में लिया, अगर नेपाल भी अपने कंट्रोल में ले लिया तो कितनी हरकतें देखने को मिलेगी। तो चाइना के साथ में अगर बात करें तो एंटी चाइना स्टैंड अभी तिब्बत वाले रीजन में कई बार देखने को मिल जाते हैं, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो इंडिया के खिलाफ चीजों को खड़ा करना चाह रहे हैं। बॉर्डर डिस्प्यूट देखने को मिलेंगे, नेपाल के द्वारा रिलीज किया गया नया मैप अभी बोला ना, काला पानी, लिम्पा धुरिया, लिपू लेक, ये उत्तराखंड के अंदर नेपाल ने क्लेम किए, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर जो एरिया है जिसको बोलते हैं सुस्ता, तो वाटर जो यहाँ पर देखते हैं चंपारण डिस्ट्रिक्ट जो बिहार के अंदर में, तो ये इसके बारे में आप लोग बातें कर सकते हैं। तो सारे एरिया मैंने आप लोगों को दिखा भी दिए यहाँ पर, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ये सुस्ता रिवर हो गया यहाँ पर, ठीक है, ये इसके पास में हो गया यहाँ पर। तो कई सारे ऐसे एरिया जो दोनों के बीच में यहाँ पर दिक्कत में चलते रहते हैं, और ये मैप तो मैं आप लोग कई बार दिखाता भी हूँ कि यहाँ पर नेपाल के टेरिटरी को कैसे डिवाइड कहते हैं। वैसे इसमें आगे चलकर बहुत सारे आर्टिकल और भी आएंगे, वो कभी फिर से एडिटोरियल आएगा तो फिर और अच्छे से इसके बारे में बहुत सारी और भी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। अभी यहाँ पर इसको यहीं तक ही रखते हैं, तो वीडियो वरना एक घंटे से ऊपर हो जाएगी। पहले नेशनल यूथ डे के बारे में बात करी, इसके बारे में और भी कई सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई। इसी के साथ में हम लोगों ने जो नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस किया था हमारी कंट्री में यूनिकॉर्न के बारे में बातें की, बहुत सारी और बातें मैंने सारी बातें बताई आप लोगों को, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में उत्तर प्रदेश के बारे में और जल से रिलेटेड क्या क्या दिक्कतें हमारे देश में उसके बारे में हम लोगों ने बातें की काफी अच्छे से। नेक्स्ट हम लोगों ने बात की यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, तो काफी सारी बातें मैंने डिटेल में आप लोगों से डिस्कस की, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए इसके बारे में, बहुत सारी बातें हम लोगों ने जानी। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर जो बातें की ये बेसिकली बातें की हम लोगों ने नेपाल के बारे में, तो काफी डिटेल में हम लोगों ने यहाँ पर इसके बारे में भी कई सारी जो बातें जानी, ठीक है। तो डिटेल में हो गए कई सारे आर्टिकल्स आप लोगों के बिल्कुल बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं इसके बारे में होना चाहिए, ठीक है। और मॉर्निंग में जो उठ रहा है वो मॉर्निंग में उठते रहिए, कैसा लग रहा है मॉर्निंग में उठ के, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कॉन्फिडेंस ऐसे ही आएगा यार। और हाँ, संडे में भी आप लोगों का डिस्कशन आएगा, उसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो आप लोग के बचे हुए हैं उनको संडे में सबको कवर कर डालूंगा मैं, ठीक है। तो संडे वाला डिस्कशन आप लोग जरूर देखिएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पर ये जो क्वेश्चन के बारे में, आप लोग देख लीजिए यहाँ पर इनको एक बार, ये आप लोग अटेम्प्ट करने, स्टार्टिंग में मैंने दिखाए थे, इनको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, तब तो मैं थोड़ा सा रिवीजन कराता हूँ, वरना एक घंटे की वीडियो होगी तो फिर आप लोग रोने लग जाते हो, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि कोई नेशनल यूथ डे के दिन भी रोए, ठीक है।
बात करते हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, सी बॉक्स किस मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं, यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया था एग्रीमेंट किस किस के बीच में यहाँ पर, जिसमें हम लोगों ने म्यूचुअल असिस्टेंस के बारे में बात की थी, इंडिया और स्पेन के रिलेशन के बारे में बात की थी यहाँ पर। तो आप लोगों को बताना है कि यहाँ पर किस किस कंट्री का सबसे ज्यादा लोग जो है स्पेन में रहते हैं, इंडिया कौन से नंबर पर, तीसरे नंबर पर। इंडिया जो है यहाँ पर को प्रोटेक्शन है यहाँ पर जिसके बारे में बात की, फ्लेमिंगो इंडिया, तो कहां पर ये लोकेट मतलब किसके साथ में, इंडियन सिविल एविएशन के द्वारा यहां पर अप्रूव किया गया था कि वैक्सीन आप लोग दे सकते हो, तो कौन से राज्य के साथ में, कौन सी मिनिस्ट्री है, और उज्ज्वला के बारे में बताना है यहां पर, INSTS क्या था यहां पर, EESL क्या था, इसके बारे में जान लेते हैं। तो आंसर क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में याद रखेगा, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में बात की जाती है सी बॉक्स, स्पेन के बारे में याद रखिएगा मिलकर काम कर रहे हैं यहाँ पर, बेसिकली कस्टम के बारे में हम लोगों ने बातें की थी, इसी के साथ में चाइना और पाकिस्तान के भी लोग काफी ज्यादा हैं और इंडिया के भी वहां पर काफी ज्यादा हैं डायस्पोरा स्पेन के अंदर में। इंडिया और स्पेन जो है यहाँ पर ये फ्लेमिंगो इंडिया, इसके बारे में याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसी के साथ में तेलंगाना गवर्नमेंट को यहाँ पर अप्रूवल दिया गया था इस चीज को लेकर। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के बारे में याद रखिएगा, उजाला उन्नत ज्योति अफोर्डेबल एलईडी के बारे में मैंने आप लोगों से बातें की थी, इसके बारे में याद रखिएगा। इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में बात की जा रही है बेसिकली, और एनर्जी इफिशियंसी सर्विस लिमिटेड के बारे में बात की गई थी, ये हम लोगों ने समझा था, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, मॉर्निंग में तैयार है ना, दिक्कत हो गई थी आप लोगों को बेसिकली प्रोसेसिंग में और वो सारी चीजों में, तो इसलिए लेट हो गया, वरना वीडियो का एग्जैक्ट टाइम आप लोगों को 6:30 बजे है, तो बस्ता बोरी तान कर तैयार है ना अपनी कॉपी पेन लेकर, ताकि एग्जैक्ट आप लोगों को वीडियो टाइम पर मिले और अच्छे से उसको एंजॉय करना और सही तरीके से अपने टाइम को यूटिलाइज करना। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।